मैंने मैंने गलत गलत करा करा क्या है? मैंने गलत क्या करा है? <laughs> मेरे मेरे है, है, है। बोतल के ऊपर का ढक्कन उड़ा था मैंने कभी मेरे अंदर की चीजें किसी को दिखाई नहीं। अगर मेरी रेज है मैं उसे पावर लिफ्टिंग में निकाल रहा हूँ अगर कहीं गलत जगह निकली तो मैं जेल में हूँ कुछ रिलेशनशिप्स right मैं मैं छोरीबाजी से बहुत कोई लेना नहीं कोई मुझे तो समझ में नहीं आया हुआ क्या लोगों ने ये बोला कि तुम ही लोग बेवकूफ हो जो तो देखते देखो भी हो, मैं में में बताता हूँ रखता है आपको लगता आपके वायलेंट और बैड बिहेवियर को देते हैं क्योंकि आप निकल जाते हो बात करके और आपको प्यार करने वाले बहुत सारे क्या हाल है दोस्तों स्वागत है आपका एक मेरा नाम है कसाना हमारे गेस्ट का नाम है आज रजत दलाल इस नाम को शायद इस वक्त पूरा देश जानता है इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज जो आई हैं पिछले कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में उसके चक्कर में इनका इंस्टाग्राम और इनकी फ़ैन फॉलोइंग दुगनी तिगनी चार गुना बढ़ चुकी है ही इज़ पावर लिफ्टर फॉर इंडिया ही हैज़ कम्पियर सेवरल टाइम्स लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कुछ रेकलेस एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पर जो दिखाई गई उसके चक्कर में उनको कॉन्ट्रोवर्सी के लिए जाना गया आज आपको रजत दलाल का कैसा चेहरा मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा उनकी निजी जिंदगी में वो क्या करते हैं कैसा ऐसा एक पोलराइजिंग पर्सनैलिटी कल्ट पर्सनैलिटी वो बना चुके हैं और कॉन्ट्रोवर्सी में पर्टिकुलरली जात के बारे में बहुत बात हुई है बिकॉज ही इज समन हु रियली एंजॉयज़ बींग वेरी वोकली ओपन अबाउट बींग अ जाट तो कुछ मुझे ऐसा लगता है हल्की फुल्की हमारे बीच में एक फ्रिक्शन uh, भी थी बिकॉज़ कुछ बातों पे मैं भी स्ट्रगल कर रहा था एज एन इंटरव्यू और एज अ पॉडकास्टर यार मैं इनसे और क्या पूछूँ मैं इनसे और क्या इस बात से निकाल सकता हूँ जो फ़ायदेमंद हो नंद नाइनटी फाइव परसेंट कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़िया है और बिकॉज ऑफ सम रीजन्स कुछ लोगों का हम दान नहीं ले सकते थे इस चक्कर में मेरे को ना कुछ कुछ पार्ट्स एडिट करने पड़े द रेस्ट इज़ अनएडिटेड इट्स रजत दलाल रॉ रजत दलाल लाइव एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से वी वर एबल टू गो टू द डेप्थ ऑफ इस साइकी जहां तक भी उन्होंने अपनी प्राइवेट को पब्लिक करने में अलाउ करा पहली बार ऑन दोस्त कास्ट रजत दलाल एक्सक्लूसिव भूलना मत सब्सक्राइब करना हमारे एपिसोड्स आते हैं हर ट्यूजडे एंड फ्राइडे और हम देश की सबसे बाप कॉन्वर्सेशं रिकॉर्ड करते हैं द एपिसोड विद रजत दलाल बिगिन इन थ्री टू वन थैंक यू यार दोस्कास्ट पर आने के लिए आप इस वक्त देश में चर्चित हो चर्चित बहुत एक छोटा वर्ड है बहुत ज़्यादा अल्ट्रा पॉपुलर अल्ट्रा फेमस हो चुके हो बहुत सारी रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सीज़ हुई आप पावर लिफ्टर हो सब लोग जानते हैं आपके बारे में लेकिन क्योंकि हम फरीदाबाद में बैठे हैं और हम बाई चांस सेम ही शहर के रेजिडेंट्स हैं जो कि पता नहीं था फिर पता लगा आपकी एक ऑबसेशन जाट होने से जाट भाईचारा जाट हुड छत्तीस बिरादरी इन वर्ड्स को आप बार बार इन्वोक करते हो आपकी स्टोरीज में भी बार बार चर्चा होती है मैं आपको व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था उसके अंदर भी ये लिखा था जाट पहलवान जय जय भगवान भगवान हाँ। अब ठीक है हर कोई इंसान डिफरेंट डिफरेंट बरादरी में पैदा होता इतना कैसे है जाट को बात खाली जाट होने की नहीं है आदर सम्मान पूरा छत्तीस बिरादरी का है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर जाति के लोग नोन रहे हैं सबके साथ खाना पीना हुआ है सबके घर में खाना खाया होगा पर देखो सब लोग होते हैं पर जो अपने घर के होते हैं ना वो थोड़े अपने होते हैं तो जाट चीज है ना बहुत लगाव है मतलब वो खुद में एक ना प्राउड फील होता है और भाई अगले जन्म में भी कभी बनू तो जाट <laughs> मतलब है ये चीज पता नहीं मेरे को नहीं पता देखो ना तो किसी ने इनकोड करी ना ने कभी बोला, कि कभी बोला किसी ने कुछ नहीं है मतलब एक ना कुछ अलग सा फील है अपना कि हाँ है हम कुछ मतलब इसमें किसी दूसरे का अनादर नहीं है दूसरों की इज्जत है हाँ। पर अपनों से प्यार है तो आप आपका यहाँ पे बर्थ हुआ फरीदाबाद के अंदर हाँ ठीक है आप यहाँ पे रहे हम हमारे बीच में हमारे जो जगहों में फासला है वो बीस तीस मिनट का ज्यादा है नहीं हाँ, इतना ही है आपका जीवन यहाँ पे कैसा रहा क्योंकि आप तो एक बहुत डिफरेंट एथलेटिक बैकग्राउंड से आते हो ठीक है आपने पावर लिफ्टिंग करिए आपके इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं आप मेरे साथ तीन चार साल बड़े हो शायद तो आपका यहाँ पर बैकग्राउंड क्या रहा आपकी परवरिश कैसी रही देखो स्कूलिंग मैंने टेगोर से करी है ट्वेल्थ तक अच्छा मतलब जब मैं एट्थ क्लास में टैगोर में आया था ना तो उस टाइम थोड़ी हवा लगने लगी थी एक होता ना कि आप चाहे साइकिल से अपने घर से तीन किलोमीटर दूर स्कूल में जा रहे हो पर एक एट्थ क्लास के बच्चे के लिए वो बहुत कुछ होता है हाँ। जिसके मम्मी पापा घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे संगती थोड़ी उल्टी सीधी हुई अच्छे दोस्त भी बने कुछ बुरे भी बन गए तो वहाँ से चीज़ें ना खराब होनी स्टार्ट हो गई थी वैसे फरीदाबाद का माहौल कुछ ज़्यादा प्यारा है ही खराब हो नहीं सत्रह में ये नहीं है रेड ड्रैगन रेड चिली ड्रैगन ऐसे करके कुछ है वहीं बैठे रहते थे हम मतलब ट्वेल्थ क्लास में सब पे बाइक थी और बारहवीं क्लास का बच्चा एक होता ना सौ रुपये भी मिले वो तेल में ही जाते थे हाँ, हाँ, तो वैसा वाला सीन था क्योंकि दिन के पचास किलोमीटर ऐसे लग जाते हैं पाँच साल मैंने अकेडमी करी है पहले हाँ, साई अकेडमी में था ऊँचे गाँव में बाकी ये सोलह सेक्टर में महादेव देसाई अकेडमी है स्क्रिप्ट की हाँ सोलह में अकेडमी थी और सोलह में ही जिम थी एनी टाइम फिटनेस तो वहाँ से टाइम बचाने के चक्कर में जिम मैंने एनी टाइम ज्वाइन कर ली एनी टाइम का किस्सा भी यहीं से शुरू हुआ था आप इस टाइम पे चर्चित हो आपकी कंट्रोवर्सी के लिए लेकिन हम पहले बैठ के बात कर रहे थे कि आप एक्चुअली एक अच्छे स्टूडेंट हो तो खामों का कंट्रोवर्सी आपको करियर लाई आपको कहाँ मन था कॉन्ट्रोवर्सी में फंसने का आपको अच्छा खासा पावर लिफ्टर बनना था अपना नाम करना था थोड़ी बहुत ऐसे से उंगली करनी थी आप कैसे फंस गए इसमें देखो अगर किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी को उठाओगे ना तो कभी भी मैंने पहल नहीं करी और डेढ़ साल के आसपास से मैं ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर कर नहीं रहा हूँ है जो भी है ठीक है तो एक कह सकते हो कि फोकस लेवल ट्रेनिंग पे उतरना नहीं है अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेने आ रहा है तो मेरा मन कर जाता है दे दूँ शुरुआत कोई भी करता है कोशिश करता हूँ कि मेरे पार्ट पे वो चीज़ खत्म हो जाए सिंपल है इस कॉन्ट्रोवर्सी को जो ये हुई ये इतनी ज़्यादा आपके हिसाब से ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन क्यों हो गई क्योंकि मतलब मैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ हम लोगों ने बैठ के इतनी देर इससे पहले बात करी है जो भी लोग पॉडकास्ट उनके दिमाग पर ये चीज़ है भाई ये रजत दलाल कौन है व्यक्ति क्या ये इंस्टाग्राम लाइव पे आके लंबे लंबे इशारे करता है कि भाई अब मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ ये चल क्या रहा है दुनिया सब दुनिया ने पॉपकॉर्न खा के मौज ली है इस चीज़ की ठीक थी? है, है? कहाँ से बात छिड़ी और कहाँ तक वो एक जात वर्सेस जात मतलब बिरादरी की बात कैसे बोल देखो मैंने कभी नहीं बोला कि छत्तीस बिरादरी इस चीज़ में इंगेज हो मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं उतने बड़े एक समूह को कुछ बोल पाऊँ मैंने मेरे जीवन में इतना कुछ करा नहीं है कि मैं खुल के सबको बोल पाऊँ जी मैंने मेरे पार्ट पे ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भाई जो भी सजा वजा देनी है दे लो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई इस चीज़ में मेरा समर्थन करो सबको हर चीज़ पता है देखो मैं भाई छत्तीस तरह की छत्तीस चीज़ें गलत कर लूँगा उल्टी सीधी पर इतना सबको पता है कि ये कुछ ऐसा नहीं करेगा जो भसड़ का हो और वो अपने पार्ट पर शुरू करे तो वो लोग जुड़ते गए जुड़ते गए और जुड़ते गए और समर्थन इतना ज़्यादा हो गया कि वो चीज़ ना थोड़ी मेरे हाथों से भी बाहर हो गई और प्रशासन के हाथ से भी बाहर जाने वाली थी डू थिंक इट बिकेम अ कास्ट इशू यार देखो सारे जाट भाई एक साथ हो गए पर यह नहीं है कि इसमें खाली जाट लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी hmm. हर तरफ से हर तरह के लोगों की कुछ कुछ अपनी <coughs> सोच थी और भाई देखो बर्तन होंगे तो वो बचती है hmm. चीजें खराब ना हो सब भाईचारा रहे इस चक्कर में थोड़ा एक कदम पीछे लेके सारी चीजें निपटाई और अच्छे नोट लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पहले भी आपकी हिस्ट्री है जब आपने उन जो फेक साधुस थे आपने उनको भी इंस्टाग्राम लाइव में उनको कूट दिया हाँ। इससे पहले भी आपने कई लोगों को कूटा है मेरे लिए भी एज अ वॉचर ऑफ सोशल मीडिया ये एक नई चीज़ है जहाँ पे मैंने अर्पित वाले पॉडकास्ट में बोला था कि रजत दलाल जाके डिलीवरी कर देता है जो चीज़ मतलब जो गलत लगती है लेकिन फिजिकली वायलेंस को आप एक तरफ बढ़ावा भी दे रहे हो कि जो आपको पसंद नहीं आता आप जाके पीटी देते हो उसको देखो भाई आ, रही बात साधु वाली ना कोई धर्म के बारे में गलत कर रहा है ठीक है वो चाहे कोई भी बंदे हो अगर आपके बैग पे लिखा है जय श्री राम तो अगर आपको ये नहीं पता राम जी के भाई का नाम लक्ष्मण है तो आप भिक्षा कैसे मांग रहे हो चलो मैं नहीं होता मेरे घर मेरे में मेरी मम्मी होती भाभी होती कुछ भी होती उनका मोटो कुछ अलग होता अगर कल को वो कुछ करके जाते नाम किसका आता सनातन का हिंदुओं का ही होता ना कि भाई भगवान रंग बैन रखा था ये करके जय चीज है और भाई तीन बंदे लाइव लेने का चक्कर ये था अगर तीनों में से मेरे खिलाफ कोई कुछ कर जाता खाली हाथ तो बैठे नहीं होंगे तीन बंदे थे छह हाथ होते भाई छह हाथ और छः टांग मेरे तो दो दो ही थे नहीं पर आप हर हर इंसान को कूटना की वजह से किसी हो। को नहीं मारा उसके अलावा एक बता दो अब आपने खुद ही बोला नाम न लेने के लिए इसलिए मैं नाम लूंगा नहीं <laughs> मैंने सही में किसी को नहीं सुना मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ शायद ऐसा होता होगा कि <coughs> देखो असल में जो भी वॉयलेंस होती है ना मेरी लाइफ में हो या किसी की भी लाइफ में हो उस टाइम इतना टाइम नहीं निकलता कि आप फ़ोन लो रिकॉर्ड करो कैमरा खोलो सोशल मीडिया की चीज़ें सोशल मीडिया पे ही खत्म होती हैं और कहीं भी कोई भी चीज़ देख लो उसमें ना एक लेसन ही मिला होगा अभी एक बंदा अपने बेटे के साथ बाइक लेके घूम रहा था देखा था मैंने देखा था ना मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया भाई बेटे के आगे बाप को कुछ सेंस नहीं है पर भाई उसमें भी नॉर्मल चीज़ है ना कि भाई तुम सेलिब्रेट कर रहे हो ऐसे मत करो ना कि रिस्क टेकिंग फैक्टर हो बाबा वाली है भाई धर्म का नाम खराब कर रहे भाई यार आप रिस्ट रहेंगे तो क्या बात कर रहे हो आप खुद गाड़ी को रॉन्ग साइड में चला के भगा देते हो इतनी तेज तेज भाई वो अगर मेरी फ्लाइट फ्लाइट छूट छूट रही रही है तो की मार थोड़ी फ्लाइट छूट रही थी दिन <laughs> दिन दिन <दिनों> <laughs> आपको नहीं लगता आपके वायलेंट और बैड बिहेवियर को लोग एक्सक्यूज कर देते हैं क्योंकि आप आप निकल जाते हो बात करके और आपको प्यार करने वाले बहुत सारे हैं मैंने गलत करा क्या है मैंने गलत क्या करा है भाई जो गलत हुआ उसका हम पे हो गया मतलब मैं कर... तो ये देखता हूँ कि इससे आपका ब्रांड और बढ़ता है और लोग सपोर्ट करते हैं मेरे को मैं ये मेरे को लगता है अर्पित ने बोली थी पॉडकास्ट बात कि लोग चाहते हैं कि मैं रह दलाल जैसे बनूँ मैं निडर बनूँ मैं जाए किसी को भी कूटूँ कोई भी समाज में बात रखूँ और कुछ ना हो लोग मेरे साथ आए और मैंने देखो कभी भाई इतनी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करी नहीं ये ऊपर वाले का हाथ है जब तक है तब तक चीज़ें चल रही हैं ऊपर वाला करे ना ये हटे तो ज़्यादा सही तो एक बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इससे पहले बैठिए कि यार यहाँ पर कल्चर नहीं पावर लिफ्टिंग का और जो भी इंसान जिम जाता है पूरे देश भर में वो सभी के सभी लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या कार्डियो करते हैं कैरिस्तानिक्स करते हैं जितना मैंने देखा है मेरे लिमिटेड नॉलेज के अंदर पावर जो पावर लिफ्टिंग होती है उसके अंदर स्नैच बोलते हैं नहीं स्क्वाट बेंच और डेड स्क्वाट बच और क्लीन एंड जर्क होता है हमारे वेट लिफ्टिंग में दोनों को बहुत अलग है देखने में एक जैसा लगता है पर सिंग पावर लिफ्टिंग फंडामेंटल डिफरेंस कैसे है बॉडी बिल्डिंग से और आप इसमें आए कैसे सिंपल चीज कैसे है कि अगर कोई भी बंदा जिम जा रहा है उसका मेन पर्पज हो गया है तो टोन अप करना है अपियरेंस सुधारनी है मसल बिल्ड करनी है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लगाएगा उसका काम है मसल को आइसोलेट करने का पावर लिफ्टिंग का पूरा प्रस्पेक्टिव ही अलग है हमें खाली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेट मूव कराना है चीज समझ रहे हो हु? तो बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग इस तरह से तो किस तरह की वो स्ट्रेंथ लगती है इट्स नॉट लाइक यू हैव बिग मसल्स क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे सारी वीडियो हैं कि लोग होते हैं उनका शरीर बल्ट होता है बट दे डोंट हैव द बिगेस्ट मसल्स भाई देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेट मूव कराना है मसल मास ठीक है मास मूव मास पर hmm. अगर आपकी ट्रेनिंग का आस्पेक्टिव उस हिसाब से नहीं हुआ अगर मैं आपको बोलूं कि आप दौड़ लगाओ hmm. तो जब तक आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं करी उस पैटर्न को पर्टिकुलरली कई कई बार कई कई बार नहीं करा वो आपके अंदर कैसे डेवलप होगी चीज़ अगर आपने कोई चीज़ करी नहीं है आप चाहे उस चीज़ के लिए बने हो पर प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है ना वो पैटर्न की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है उसमें मसल ग्रुप नहीं है कंपाउंड एक्सरसाइज वो पैटर्न है अब मसल ट्रेन नहीं करना उसमें पूरी बॉडी ट्रेन हो रही है वो कंपाउंड है तो इस तरह से चीज चल तो आप पावर लिफ्टिंग में कैसे आए क्योंकि ये एक एक नीच स्पोर्ट मानूंगा मैं इसको एटलीस्ट इंडिया के अंदर आ, देखो यार इतना तो मैं भी खुद कुछ नहीं सोच पाता पर थोड़ी हंगा महसूस होता था शुरू से ना कि जान है तो ट्रेनिंग करता था ना तो मेरे को ना डेड पकड़ने पटकने में बड़ा मजा आता था तो वहाँ से डेड मारने का ना शौक चढ़ा फिर धीरे 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 मैं पहले फिटनेस मॉडलिंग करता था दो में करी हुई है शेरू क्लासिक खेला था उसके बाद फिटेक्स का एक शो था फिटेक्स था या फिटेक्स ही था शायद नवंबर में घुसता तो दो दिन ना खाना पीना थोड़ा कम करना पड़ता है तो, तो मेक वेट वेट बनाने के लिए नहीं मतलब कि पेट वेट पे पानी पुनी ना आए कि शार्प लगे अच्छे मेरे पे ना हो ही नहीं रही थी भाई क्या होता ना तपस्या सी कि खाना छोड़ू पानी छोड़ू तो आखिरी के दो दिन में ना मैंने कार्प लोड कर दिया और वहाँ पे कंपटीशन हो रहा था डेड का उसमें मैंने दो किलो की डेड मार दी प्लेस मेरा तीसरा आया था तो मैंने कि भाई मेरे बस की नहीं है खाना पीना छोड़ना मैं पावर लिफ्टिंग करूँ एक थोड़ा सा ना रेज वाला फैक्टर भी आ जाता है ट्रेनिंग के टाइम मेरा तो वो उसमें बेनिफिट कर जाता है यूजली लोग आजकल जब ट्रेन करते हैं खासकर वेस्टर्न कल्चर में तो वो लोग चिल्लाने को बोलते हैं नो शाउटिंग इन द जिम आपकी सारी वीडियोस में आप चिल्ला रहे होते हो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना मेरे को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी पर बाद में देखो एक इंसान का ना ट्रेन करने का अपना तरीका है आप hmm. भी जैसे रहते हो आप ना वैसे ही रहोगे कोई कुछ बोलेगा आप दो दिन चेंज हो जाओगे एक दिन चेंज हो जाओगे परमानेंट चेंज नहीं हो सकते जैसा मैं हूँ मैं मैं वैसे ही रहूँगा सिंपल सी सीधी सी चीज़ है ना वो जो चिल्लाने वाली चीज़ है ना वो धीरे 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 मैंने भीड़ से काटनी शुरू कर दी कभी भी बाद वाली वीडियोज़ देखोगे उसमें मैं अकेला हूँ अकेला होंगे या एक दो तो बंदे होंगे दो से तो भाई मैं अकेले ट्रेन कर रहा हूँ मेरे घर में अब मेरे घर में मैं चिल्ला हूँ बिना कपड़ों के ट्रेन करूँ कैसी ट्रेन करूँ मेरी मर्जी है मेरे इंस्टा हैंडल पर डाल रहा हूँ जिसने देखना है देखना है जिसने नहीं देखना मत मैं तो मेरी वजह से कोई परेशान ना हो पिछले चार पाँच साल से इस चीज़ की मैंने कोशिश करी है पर मैं जो हूँ मैं वो हूँ मैं किसी को अगर पसंद नहीं हूँ तो मैंने ठेका नहीं दे रहा कभी माँ जो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं गाली की गाली गाली अलाउड है गाली का शौक शौक भी है आ, ये जो सेट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई इससे पहले आपका जीवन कैसा था क्योंकि उससे पहले मैंने आपकी पोस्ट पर भी देखा कम लाइक्स हैं कम व्यूज़ हैं और आप खुद ही कह रहे थे कि मैं बैठ के पावर लिफ्टर कुछ भी करता रहे तो लोग फॉर्म पे कमेंट करते हैं करते वो करते हैं मतलब भाई तीन सौ तीन सौ के स्क्वाट मारने वाली वीडियोज़ पर कमेंट आते थे भैया इसमें डेप्थ कम नहीं है मतलब मैं मेरे घर वालों को भी डेड की वीडियो दिखा रहा हूँ वो कहते थे अखबार में तो ऐसे उठा के आता है ये तो मतलब कुल मिला के लोगों को पावर लिफ्टिंग की क्लैरिटी इतनी है नहीं कि असल में वो चीज़ें बस तुम्हें दिख रहा है कि पॉइंट ऐसे पॉइंट भी तक वेट उठ रहा है उसके लिए कई कई साल लग जाते हैं और बीच में कितने सेटबैक्स आते हैं ना कितनी चोटें लगती है उसका किसी को अंदाजा ही नहीं है आपने मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनली कम्पीट करा है मैं आपका रिकॉर्ड देख रहा था जो ऑनलाइन अवेलेबल था उसमें रशिया भी कई बार गए हो हाँ। वो एक्सपीरियंस क्या ना रशियंस के साथ ट्रेन करने का वहाँ कंपीट करने का देखो ट्रेनिंग वाइज मैंने वहाँ ट्रेनिंग ज्यादा नहीं करी से करीब यहाँ से पर जितने भी दिन ट्रेनिंग करी है जैसे पंद्रह पंद्रह बीस दिन का टूर होता था मेरा तो उसमें महसूस मैंने इतना करा वहाँ के लोग ना बहुत सपोर्टिव है वहाँ लोगों की गांडनी की लस्ती अगर आप उनकी जिम में जा रहे हो वो खुशी से आपको एक्सेप्ट करते हैं या आप किसी जिम में जाओगे ना ओनर की पहले ही माँ चुझ जाएगी क्यों बैंड फिर आ गया पहली बात तो इक्विपमेंट उतने है अच्छे हैं नहीं और दूसरी चीज़ ना मतलब मैंने खुद से नोट करा है कि लोग दूसरे को उभरता देख के ना या खुश नहीं है ये सच्चाई है कभी नोट करना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें फिर भी प्रॉब्लम बनानी होती है मेरे पे एनी टाइम फिटनेस फरीदाबाद साकेत जी और अर्जुन मार्ग चारों ने वापस वापस रिफंड कराया फॉर नो रीज़न no कोई रीज़न नहीं है क्यों क्योंकि आप वेट उठाते, भाई तो उठाते, उठाते हो भाई उठाते चार चार पाँच पाँच लाख के तुमने ट्रैक लगा रखे हैं नहीं नहीं एक मिनट वेट उठाते हो मतलब वेट और जिम में और क्या करेंगे हैं जिम में और क्या करेंगे वेट ना उठाने के आपके कहने से थोड़ी चीज चलेंगी आप जाके ट्राई कर ले कोई भी पावर लिफ्टर अच्छी जिम में फिलहाल कमर्शियल जिम में अलाउड नहीं है बिकॉज उनको कंसिडर करता है कि इक्विपमेंट तोड़ देंगे इतना वेट उठाते हैं वो पैसे कमाने के लिए ना उन्हें कोई लेना देना नहीं है आप मेडल मारो ना मारो ये गेम है कि नहीं है सिंपल ये चीज़ है तो इससे पहले आपकी ज़िंदगी क्या थी इस इस पूरे इस चीज़ से पहले आप करते क्या थे हैं किस चीज़ से जिसका आप मेरे को नाम लेने से रोक रहे हो ये आपकी आपकी जो चलो एक तो आपकी जो लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज है उनको मैं कैसे वो करूँ मैं टाइम टू टाइम नोट नहीं कर सकता नोट्स में देखना पड़ेगा लेकिन जो भी ये सोशल मीडिया पे चका लड़ाई झगड़ा बिरादरियों का सपोर्ट इंस्टाग्राम लाइव मैं सबके एक्सीलेंट फीचर्स बता रहा हूँ उससे पहले जिंदगी क्या थी क्या करते थे गाड़ी को यहाँ से वाले के मेरे को भी, भी सोचना पड़ रहा है मोमोज खाते थे क्योंकि आई नो इतना सब कुछ हो गया ना एक छोटे से टाइम में बहुत कुछ हो गया है देखते ही देखते ही, देखते ही देखते, देखते फॉलोअर बढ़ गए देखो मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी नॉर्मल थी रजत भाई मतलब थोड़ी सी हैपनिंग थी इतनी हैपनिंग नहीं थी अब थोड़ी ज्यादा हो गई है ट्रेनिंग का ही होता था भाई सारा का सारा ट्रेनिंग करनी है क्लाइंट संभालने हैं कोचिंग का काम देखना है और हल्की तल्की गाड़ी गुड़ी चला लेता हूँ बीच में शूटिंग करता था जब से हाथ टूटा है वो छोड़ रखी है शूटिंग मानव रचना ये रेंज में ही था अच्छा दस मीटर दस मीटर शूटिंग करते थे आप हाँ तो आपको आपका ये हाथ टूटा कैसे वैसे बेंच प्रेस करते रहे आप बता देखो एक मतलब मेरे को नहीं पता कितना इसमें सेंस करेगा नहीं करेगा अल्फ़ा जी पी नाम से एक सप्लीमेंट आता है जी उस दिन मैंने डोसेज थोड़ी ज़्यादा ले ली थी बेसिकली बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं टेम्परेचर सोलह सत्रह था उस टाइम एनी टाइम का मसल ना इंगेज ही नहीं हो रहा था मतलब एक होता है ना कि कभी कभी आपकी बॉडी डुप हो जाती है करेक्ट मसल फायर नहीं कर रहा उसके बावजूद मैंने ट्रेनिंग करी बॉडी में से हड्डी निकल गई वो वापस से रीलोकेट हो गई पर बीच में जो स्नोविल फ्रूट था ना वो बाहर आ गया स्नोविल फ्रूट क्या होता है मतलब हड्डियों के बीच में होता है अच्छा मूवमेंट के लिए थाउजेंड टाइम्स स्लिपरी होता है वैसे बर्फ़ से ओके अभी ये हाथ सीधा हो जाता है हाँ हो गया पेन पेन नहीं है पेन अगले दिन में दर्द नहीं होता किसी कायरो ने उसको जाके ठीक नहीं करा कायरो तो एडजस्टमेंट करेगा ना वो सिनोवियल फ्लूड जो बाहर आ गया है वो धीरे धीरे सेटल अप होगा ना अच्छा तो वो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में या फिर आस पास है भाई वो बाहर निकल गया है हाँ। ब्लड स्ट्रीम में होता तो पूरी बॉडी में फैल जाता है ना वो ज्वाइंट के पास में धीरे 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 सेटल हो रहा है मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ये ऑटोमेटिकली हील हो रहा है हाँ मैंने सर्जरी नहीं करी मेरा मिनिस्क्री एट टीयर हुआ मेरा एंकल टूटा था मेरी तीन बार डिस्क जा चुकी दो बार एक्साइज जॉइंट जा चुका टूटा हुआ रहा है दो बार उल्टा हाँ। छोटी, -छोटी इंजरी सबको होती है बस अगर कोई बड़ी हो गई तो आपका बहुत टाइम जाएगा और वापसी आप तभी कर पाओगे अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और कोई बड़ी इंजरी होगी तो टाटा भाई बाय करिए जाता अच्छा फिर आप कर उस टाइम पे अब जैसे मान लो आप चलो संपन्न हो घर की तरफ से आप खुद के काम की तरफ से संपन्न हो कोई और पावर लिफ्टर है जो इतना आर्थिक रूप से तंग है तो पावर लिफ्टर अपनी आर्थिक स्थिति खुद सुधारे ना मैंने ठेका थोड़ी ले रखा मैं पूछ रहा हूँ आपसे नहीं कोई भी हो मैं मेरी लाइफ की रिस्पॉसिबिलिटी लूंगा ना हुँ. मेरे को क्या मतलब दूसरा क्या कर रहा है पर आपने देखा आपके बाकी सारे जो कंटेम्प्रेज़ हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं इंजरीज से ही और करियर ही खत्म हो जाता है देखो बहुत लोगों के ख़त्म हुए हैं पर मैंने फिलहाल मेरे आसपास में मेरा इंडिया में कोई बंदा ऐसा देखा नहीं जो इतना टूटा फूटा है आपके अलावा और आपने इनकी तरफ कुछ बहुत आप रिहाप पे जाते हो रेगुलरली फिजिक देखो मेरे को खुद से चीजें पता है कि असल में करनी कैसे है और एक छोटी सी चीज़ है ना थोड़ा दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ता है चीज़ें तो ही रिस्पॉन्स करती है अगर आप खुद से सोचोगे ना बुखार हो रहा है या मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है वो चीज़ें ना बॉडी खुद से अराइज करा देती है मेंटली कहते हैं ना जैसा कॉन्शियसली सोचोगे सब कॉन्शियस में पहले मैं सरप्राइज कि आप यहाँ बारह घंटे गाड़ी चला के या खुद आए हो बैठे हो घर पे और आप यहाँ पहुँच गए मैं सोच रहा था कि लोग अक्सर बोलते हैं यार मेरे को थोड़ा रेस्ट करना है अरे फ्लाइट से आप जा रहे हो इसके बाद तीन ये मेंटल स्ट्रेंथ से, से हाँ. मेरे को देखो इतना कुछ है नहीं मैंने कभी इन चीजों का सोचा नहीं कि एक होता ना किसी ने जानबूझ के काम कराओ मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता चीज़ों में तो फिर आप सोचते क्या हो सिवाय मतलब दिमाग रुकता ही नहीं है कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा भाई अपने आप होती चली गई झोली में गिर गई कि ये लो <laughs> ये लो और ये लो मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये मेंटल स्ट्रेंथ वाली चीज क्योंकि आपने अपने जो ट्रेन में रजत वाला अकाउंट है उसमें भी आपने कई बार ये चीज लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग बनो ये सब करो आप लोगों को मोटिवेट करते हो फिटनेस के लिए देखो मेरे को जो चीज़ दिमाग में आती है मैं डाल देता हूँ मैं समाज से भी नहीं हूँ अगर किसी को लगता हो ना मैं समाज से भी हूँ मैं मेरा मन साफ रख के काम करता हूँ मेरा बस इतना लेना देना है किसी को बढ़िया लगे ले लो किसी को बढ़िया नहीं लगता छोड़ दो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे से मोटिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा मेरे पार्ट पे बस ये चीज है कि मेरे पार्ट पे कुछ ऐसी चीज ना जाए जिसकी वजह से किसी का जीवन गलत डायरेक्शन में जाए अब मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा हूँ मान लो भाई वो मेरा स्किल सेट है अगर उसमें फूटूँगा भी मैं फूटूँगा मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बंदा मेरी वो चीज़ गेन करे भाई मेरी कंट्रोलिंग है मेरी ब्रेकिंग है मेरी जितनी औकात है मैं उतना चला रहा हूँ पर देखा देखी अगर तुम उसे चीज़ को करोगे तो मेरे को सही लगेगा नहीं ये बात हाँ बताओ बताओ पर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पार्ट में कुछ गलत जाए ये बड़ा ट्रिकी टेरेन है आजकल जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को उनके एक्शंस के लिए मॉरली भी अकाउंटेबल ठहराया जाता है कि भाई आप ये कर रहे थे आपको बड़े सारे जवान बच्चे देखते हैं हैंस आपको एक लकीर का फकीर बनकर चलना अगर चाहिए अगर मेरे को कोई देखता है तो मैं उसके चक्कर में जीना थोड़ी छोड़ दूंगा वही कह रहा हूँ मैं मेरी जो मर्जी करेगी अब मान लो मैं चप्पल में हूँ कोई मेरे को देख रहा तो जूते क्यों मैंने मेरी मर्जी मेरी मर्जी भाई मेरी जिंदगी है मैं अगर कभी भी जीवन में मेरा खराब टाइम आया ठीक है मान लो मैं कभी जेल जाऊँ मेरे को अभी जज्जर पुलिस ने के साथ था जो भी था कौन आया था अंदर कि भैया हम आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे मेरा एक दोस्त है बहुत वेल रिस्पेक्टेड एथलीट है नाम नहीं बोलूँगा अभी उस भाई की मम्मी आईसीयू सी यू में ठीक है सब प्यार उसको कोई हेट नहीं करता मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ ठीक है मेरे को नहीं लगता होगा पाँच लोग भी उसके पास मिलने आए हैं ये बोल के कि भाई कुछ मदद चाहिए हो तो हम बैठे हैं सोशल मीडिया पे लोग सोशल मीडिया पे हैं रियल लाइफ में आपके गिने चुने लोग ही होंगे जो स्टैंड लेंगे अगर मान लो आपका मेरा भी जूता भी बजेगा ना और आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालोगे तो वो लोग नहीं आएंगे आपके जो यारे प्यारे हैं ना जो असल में सोशल मीडिया पे दिखते भी नहीं होंगे वही आएंगे भाई आपने इस लेटेस्ट ये रियलाइज करा क्योंकि तो मेरे को तो करने बहुत सपोर्ट आया हाँ। मैं मेरे सपोर्ट वाली चीज़ पर नहीं बोल रहा मैं मेरे सपोर्ट वाली चीज़ पर मैं खाली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप किसी की वजह से अपने जीने का नजरिया लाइफ को देखने का नजरिया चेंज नहीं कर सकते और अगर आप चेंज करोगे ना तो आप सस्टेन नहीं कर सकते अगर मैं अभी साधु बन जाऊँ मैं ज्ञान पेलने लग जाऊँ मैं वो इंसान ही नहीं हूँ भाई मेरे को अच्छा बन के दिखाने मैं जो हूँ सो हूँ मैं जो हूँ सो हूँ बात ही खत्म है फेयर इनफ पर आपको लगता है जो आप, जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं इस फेम के बाद आपको टिपिकली किस तरह के मैसेज भाई देखो पहली बात तो फेम फोम कुछ है नहीं कल कोई इंस्टाग्राम अगर इंडिया से गायब हो गया जैसे टिकटॉक तो ये भी गायब करेक्ट नहीं पर आपके जो नए फॉलोअर्स आ रहे हैं बहुत सारे जवान बंदे भी क्या आपसे क्या मैसेज कहते हैं क्या कहते हैं कुछ मतलब मैं देखता हूँ में आपको पढ़ता ही नहीं मैसे तो नहीं पढ़ते यार मेरे को ना शादी वादी में बहुत सारे बच्चे मिले थे मैंने बोला नहीं कि हमें पॉडकास्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने भी रिसेंटली डिसाइड करा लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट शादियों में आपका जो लास्ट सीजन गया है आपका नाम कई बार आ गया और वो फैसिनेटेड थे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नए फॉलोअर्स आए आपसे किस तरह की बातचीत करते हैं सिर्फ सपोर्ट है है कोई भी बंदा होगा ना चाहे आप भी होगे आपके चाहने वाले भी होंगे आपके अगेंस्ट भी होंगे तो वो चीजें चलती रहती है अब मेरे को स्क्रीन पे अगर कुछ पॉजिटिव दिखेगा दिखेगा सही नेगेटिव नेगेटिव बोलने वाले बोलेंगे सबकी अपनी राय है सबके अपने मन के विचार है सब कमेंट में थोप देते हैं जब आपने इतनी सारी इंस्टाग्राम तो ये बताओ यार आप हर हर एक जो चीज को इतना लंबा चौड़ा एविडेंस फैक्ट देके इंस्टाग्राम लाइव आ रही है पंद्रह मिनट में जहाँ मैं सारा खुलासा करूँगा बयान करूंगा क्या लॉयर बनना चाह रहे थे और रह गया बीच में सपना जो ऐसा आप ऐसे पूरा कर पूरा कर रहे हो कोर्ट कचहरी से बहुत दूर भाई नहीं बट हाउ इज इट दैट वाई डू यू डिसाइड टू गिव सोशल मीडिया जस्टिस ऑन इंस्टाग्राम लाइव भाई देखो जो भी चीज़ सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुई है वो सोशल मीडिया पर ख़त्म करी है अभी तक कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी रियल लाइफ में स्टार्ट नहीं हुई थी दुखी करने से ही स्टार्ट हुई थी चाहे स्कैमर लड़का था चाहे अभी लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी थी चाहे एक चिंगा पिंगा की थी स्टार्टिंग की वो माँ चुका है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता वो चूतिया से थी मैंने शुरू नहीं करी ना मैंने शुरू नहीं करी अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुई वो सोशल मीडिया पर ख़त्म हो गई पर इस लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी का कॉन्सिक्वेंस ये था कि आप यहाँ से फरीदाबाद से जज्जर चले गए हाँ वहाँ क्यों गए आप देखो फरीदाबाद रहने खाने कमाने आए हुए हैं कोई नेटिव जगह नहीं है आप भी यहाँ आए होंगे तो बेसिकली यहाँ से नहीं होगे करेक्ट अलग अलग जगह के लोग यहाँ आए हुए हैं उनमें जो भी रिलेशन है ठीक है भाईचारा है ठीक है वेल एंड गोट है मैं छारा गाँव से हूँ बहुत सारे लोगों को लगता होगा मैं मांडोटी से हूँ या बहादुरगढ़ से हूँ मैं छारा गाँव से हूँ पर जो भी मेरे भाई थे उनका नाम नहीं बोलूंगा वो उस टाइम बहादुरगढ़ में थे अब जरूरी नहीं है ना कि आप सत्रह सेक्टर से हो तो सत्रह में ही रहोगे चौदह में भी जा सकते हो ग्यारह में भी घर ले सकते हो वो आपकी अपनी मर्जी है रहना है जहाँ से आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा तो बहादुरगढ़ में मैं मेरे भाइयों के पास था मैं किसी बाहर वाले के पास नहीं गया कि हाँ भाई मेरी मदद करो मैं मेरे भाइयों के बीच में था अगर कल को आपको भी दिक्कत होगी ना आप भी अपनी फैमिली से ही बात करोगे रेंडमली कोई तीसरा चौथा बंदा आपके लिए खड़ा नहीं दिखेगा तो मैं अपने लोगों के बीच में अपनी जड़ों में था <coughs> जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और उन्होंने आपका सपोर्ट करा आपको रखा भाई जब गलती नहीं, नहीं, भाई नहीं है भाई हैं अगर मान लो कल को मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत होगी और मेरे से पूछेगा और मेरे पे कुछ बन पड़ेगा तो क्यों नहीं करूँगा समाज में ना एक मैं मैं भी क्योंकि कास्ट से गुजर मैं मैं भी इस कास्ट का हूँ आप डिफरेंट कास्ट के हो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है आपका ऐसा है मेरे को लगता है कि कास्टिज्म अच्छा है मतलब इस सेंस में अच्छा है कि इससे लोग जुड़ जाते हैं ख़राब इस सेंस के अंदर है कि हम भेदभाव कर लेते हैं इस चक्कर में लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर सारे के सारे इंसान कॉन्स्टेंटली इस बेसिस पे बात करेंगे भाई तू गुजर है तू जाट है हमारी जाटों में खास अच्छी गुजरों में खास अच्छी है तो हम और और क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे वजह लोगों को जोड़ने के आप गुजर हो हाँ आपने कभी मेरे को गुजरों के बारे में गलत बोलते देखा नहीं किसी कास्ट को बोलते देखा नहीं गलत बोलते देखा कभी भी एक शब्द भी कहीं उठा के एक गिनती की लाइन स्टेटस कुछ भी नहीं मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा मैं खाली जाट होने पर प्राउड फील करता हूँ आप भी करते हो गए गुजर होने पर hmm. सबकी कहते ना अपने अपने से सबको लगाव होता है और अगर किसी को नहीं है तो भाई उसको करना चाहिए पर इस चीज को अगर कास्ट का कोई एंगल दे रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता मेरा अपना मानना है सब के अंदर ना एक अपनी यूनिटी होनी चाहिए और उनके बीच में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सबको जोड़ के रखें तभी एक होंगे चीज समझ रहे हो मान लो आप गुजर गुजर लोग आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपने उनको जोड़ दिया वो आपकी बात मान रहे हैं मैं जाट हूँ मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मान लो मेरी जाट सुन रहे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है कि हम इन दोनों कम्युनिटीज को जोड़ें चीज समझ रहे हो क्या कहना कह चाह रहा हूँ पर भाई देखो हर तरह के लोग हैं हर तरह की सोच है ये इतना बड़े स्केल पे चीज है कि इसमें आप और मैं बोलने वाले ना कोई होते ही नहीं है कि ये हमने कुछ करा नहीं है ना कि हम हम किस बात पे बोले कि ये करो हमारी क्रेडिबिलिटी उतनी है ही नहीं भाई हम अपने विचार रख सकते हैं हम किसी को आदेश नहीं दे सकते फेयर इनफ़ आप <coughs> <coughs> मैं कास्ट वाली बात इसलिए करना चाह रहा था बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहला आप ऐसा इंसान देखा है जिसने काफ़ी ज़्यादा समझदार होने के बाद पढ़ा लिखा होने के बाद भी एक ऐसी चीज़ करी मतलब मैं देखता था कि अक्सर जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड बंदे होते थे वो एक कास्ट वाला कार्ड प्ले करते थे मैंने आपको करते हुए देखा मैं सरप्राइज हो गया मैंने कहा यार की वाई डज इज बींग जाट मैटर सो मच टू हेम भाई मैंने कभी कार्ड खेला ही नहीं अगर मैं जाट मैं गाड़ी चला रहा हूँ जाटों के गाने चल रहे हैं चल रहे हैं ठीक है चाहे आप बोल रहे हो स्टेटस देगा व्हाट्सएप का जो भी है भाई मेरे को अगर किसी चीज़ पर गर्व है तो मैं क्यों खुल के ना बोलूँ आपके पेरेंट्स ने कभी आपको बोला कि हम जाट हमें ऐसा करना है नहीं नहीं करना तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या आपके ब्रिंगिंग कैसी रही मतलब भाई आप मेरे को एक चीज़ बताओ आप कभी माँ बाप की सुनते हो बारहवीं क्लास तक सुनी थी कम कोई हो? नहीं सुनता कोई नहीं सुनता वो पच्चीस तीस के बाद समझ आती है कि माँ बाप जो बोलते हैं वो सही है पर जब जवानी फूट रही होती है ना और उड़ते हुए तीर लेने की भी आदत होती है देने की भी होती है तब कोई माँ बाप की नहीं सुनता कितने टाइम बैठते हैं माँ बाप के साथ मुश्किल से बीस मिनट बीस मिनट में कितना सुन लोगे बीस मिनट भी जोर पड़ने लग जाता है आज की तारीख में जो सच्चाई चीज़ है देखो मैं बोलूँ मैं मेरे माँ बाप के साथ दो घंटे बैठता हूँ वो झूठ मेरे बस की है नहीं लिमिटेड चीज़ें हैं पर देखो सोच में ना एक गैप रहता है रहेगा वो नहीं समझ पाएंगे लाइफ ऐसी आज की तारीख में कैसी है हम नहीं समझ पाएंगे पहले कैसी थी तो आपके फादर मदर ने आपको क्या अब रिजिंग में कुछ आपको अच्छे लम्हे याद आते हैं या नहीं भाई सारे ही अच्छे हैं कुछ खराब सिखाया ही नहीं है वो तो बस बोलते हैं फिलहाल गाली वाली बनती आगे थोड़ी दैट्स इट मतलब आपने जब मेरे को लड़ाई झगड़ों से दिक्कत नहीं है मेरे घर वालों कोई दिक्कत उन्हें देखो भाई मेरे घर वालों ने सीधे बोल रखा है किसी के लेन की चीज नहीं आनी चाहिए किसी की छोरी नहीं छेड़नी बाकी तू कुछ कर बाकी तू कुछ कर अगर कहीं गलत है तो भी हम तेरे साथ हैं अकेले में जो भी दिक्कत होगी हम देख लेंगे पर किसी के साथ कुछ ऐसा मत कर कि किसी का दिल दुखे और कल को कहते हैं ना वो अगर अपने करे धराए घूम के आते हैं तो वो चीज़ ना हो बाकी अगर जहां स्टैंड लेने की दिक्कत है मेरे घर वाले बोल रहे हैं जा जेल जाए कोई को को दिक्कत नहीं फिर तो सपोर्ट है यार फिर तो आप फ्री तो नहीं कह सकते देखो भाई अगर मैंने कहीं भी कुछ चीज करी है ना वो किसी बेसिस पे ही करी होगी ये नहीं है कि मैंने आंख बंद करी और कुछ भी बोल दिया और कोई भी कंट्रोवर्सी उठा लो अगर कंट्रोवर्सीज के हिसाब से देख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ एंड में सेंसिबल चीज ही निकल के आई होगी कुछ भी उठा लो आप उठा दो मैं बता देता हूँ कौन सी का क्या है आप नाम ही नहीं ले दो मैं क्या बताऊँ आप मेरे को हिंट वाइज बता दो ना <laughs> अगर मैं ऐसे वो खेलेंगे हिंट वाला गेम यार मेरे को ऐसा लगता है कि ना जो आपकी लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी हुई ना जिसके अंदर ना बहुत सारी फालतू चीज़ें उठ गई मैं खुद से बता रहा हूँ मेरे पार्ट पे इस पर बहुत गलती हुई है मैं एक्सेप्ट करता हूँ ओनरशिप भी ले रहा हूँ उसकी मेरे पार्ट पे असल में बहुत चीज़ें हुई हैं पर पता है चीज़ क्या है उसमें चार भाई थे नाम तो लूँगा नहीं उन चारों से मैं जीवन में आज तक मिला नहीं था भाई ये सब ऑनलाइन हुआ मेरे को ये ही नहीं पता ये चीज शुरू कहां से हुई है अब उन भाइयों ने चाहे जान के करी हो चाहे किसी गलत फैमिली में शुरू हुई हो अगर कोई मेरी जगह पे आके कुछ उल्टा सीधा करके उस चीज को पोर्ट्रे अलग ढंग से कर देगा तो भाई गांड तो मेरी गिल से ही ना जय अगर मैंने कुछ करा हो और चलो मेरे को कोई मार पीट गया तो मैं सोचूंगा चलो मार पीट गए वो चीजें खाली वीडियो बनानी वीडियो डालनी और एक छोटी सी चीज देखो मेरे पार्ट में मैं अकेला था मैं कभी किसी को बुलाता ही नहीं वो कितने सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ थे बार बार लोकेश देना आना, आना भाई सामने तो कोई नहीं आया ना आखिरी में समझौता जो हुआ घर जाके हुआ उनके मम्मी पापा ने बहुत आदर सत्कार के साथ हमें एक्सेप्ट करा तसली से पॉजिटिव नोट पर बात खत्म हुई समझदारी के साथ हो गया निपटारा हो गया तब से पहले तो वो कभी सामने आए नहीं ना एंड में भी अगर गए तो हम सामने उनके घर गए क्या आपको लगता है इस कॉन्ट्रवर्सी ने आपको अप्रोप्रिएटली फेमस कर दिया और बेटर आपको फेमस भाई देखो इस चीज़ में पॉजिटिव आस्पेक्ट भी आया है नेगेटिव भी आया नेगेटिव क्या आया भाई देखो अगर मेरी पुलिस में थाने में बैठ के अगर किसी ने मेरे से ज़बरदस्ती कोई चीज़ बुलवाई है हुँ. और वो चीज़ फैली है तो उसमें बहुत सारी जगह ये सिग्नल जा सकता है कि भाई ये गलत हो गया इनको दबा दिया पर एक मेरे को छोटी सी चीज़ बताओ जहाँ पुलिस का रोल ही नहीं था अगर स्टार्टिंग आप लोगों ने करी है उसमें कहीं लीगल चीज़ें थी नहीं मेरे पार्ट में स्टार्टिंग नहीं हुई इस चीज़ का ध्यान रखना उसमें उन चीज़ों को एंड कराने के लिए चाहे उन्होंने कराई या किसी ने कराई पुलिस में कम्प्लीट करा दी अगर प्रशासन हमारे ऊपर है और प्रशासन ने कुछ बोल दिया भाई हम उनसे ऊपर नहीं है प्रशासन ने बोल दिया लाइव नहीं जाना कलेश नहीं करने तो नहीं करने गान टूटेगी तो मेरी टूटेगी ना भाई किसी और की थोड़ी टूटेगी जो बोल रहा है तो उस टाइम बैक ऑफ करना अच्छा है क्योंकि असल में ना वो चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही थी तो वो चीज़ सही है होगी कथम पोस्ट कॉन्ट्रोवर्सी क्या करोगे अब इतनी तो सब अभी ताम जाम खुला है रिलैक्स हुआ है थोड़ा सा हाँ. क्या अब प्लान क्या है कि आप क्या आर यू फिटनेस इन्फ्लुएंसर ना हो आप एक फुल फैज कंटेंट क्रिएटर हो अब या वो इंसान हो जो अब जी में जाके जागे चलोगे ना तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ ना मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ मेरा जो जी करेगा मैं उस दिन वो मेरा मन करेगा आज बैट बॉल खेलूंगा तो मैं खेलूँगा आज मन करेगा कहीं घूमने जाऊँगा तो मैं जाऊँगा मैं किसी को कुछ बताने के लिए आंसरेबल नहीं हूँ मेरा अपना जीवन है उसे मैं कैसे भी जीऊँ मैं आपके आगे भी बोल जाऊँ मैं भाई ये हूँ और ये हूँ और कल को मैं कुछ और कर रहा हूँ अगर मैं मेरी बात का ही नहीं हूँ फिर किस चीज़ का हूँ मेरा जो जी करेगा जैसे जी करेगा मैं मेरी ज़िंदगी जब तक जिंदा हूँ वैसे जीऊँगा चाहे कुछ ही हो कुछ हो वाली चीज़ नहीं है देखो कुछ गलत तो करूँगा नहीं कि कुछ गलत कॉन्सिक्वेंसेज आए कभी कभार चीज़ें गलत हो जाती है जान के हो या गलती से हो कैसे भी हो पर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने में बहुत भलाई है अब मैं चालीस साल का हो जाऊँ और उसके बाद सोचूँ यार मैं अब तक जिनके लिए ज़िंदगी जी रहा था जिनके हिसाब से जी रहा था वो है कौन आप खुद से देखो किसी से फ़र्क पड़ता है रियल लाइफ में गिनती के लोग मिलते हैं और अंत में यही होता है आप लोगों के एक्सपेक्टेशन निभाते निभाते थक जाते भाई दस तरह के लोग दस तरह की चीज़ें बोलेंगे मैं दस को सेटिस्फाई नहीं कर सकता मैं ख़ुद को सेटिस्फाई कर सकता हूँ जिसको बुरा लगे भाई वो दूर रहो कुछ हुआ ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे आप पहले बहुत ज़्यादा अग्रेबल इंसान थे फिर आपने कहा सब बाहर में जाएँ ऐसा देखो यार बहुत सारी चीज़ें तो हैं नहीं पर है भी अब जैसे सन्नी वाला सीन था अभी मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्या सीन में था आ, सन्नी की मम्मी फ़िलहाल आईसीयू में है अच्छा उसकी शादी से अगले दिन आंटी जी को हार्ट अटैक आ गया अभी वेंटिलेटर पे डेली का बहुत मोटा खर्चा जा रहा है सहफिकर में डेली का भाई ने कभी कुछ प्रमोट नहीं करा सन्नी का भी कुछ स्पॉन्सरशिप लेता नहीं था बहुत प्यारा नाम है बहुत साफ नाम है पर अगर अभी एक्सपेंसेस भरने हैं आठ फिगर से ऊपर जाएगा टोटल खर्चा क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं कोई आके हेल्प नहीं करेगा कोई आप भी नहीं करोगे मैं भी नहीं कर पाऊंगा मेरे पे भी जितना बन पाएगा मैं उतना कर पाऊंगा कोई आके खर्चा नहीं उठाने वाला मैंने स्पॉन्सरशिप लेनी स्टार्ट कर रखी थी मैं हर चीज प्रमोट करता दू मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा जाए चीजें बिल्कुल सिंपल सीधी अगर मेरा कमेंट सेक्शन बंद है स्टोरी रिप्लाई बंद है समझ लो वो काम की चीज़ नहीं है काटा जिस पे कमेंट सेक्शन ऑन है स्टोरी रिप्लाई ऑन है मतलब ठीक है सिंपल चीज़ है मेरे पार्ट पे मेरे को खुद गिनती नहीं है मैं कितने कुत्तों की फिलहाल देखभाल कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्केल पर करूँगा पावर लिफ्टिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं गेयर से मतलब कह सकते हो बेल्ट हो गई नी स्लीव्स एल्बो स्लीव्स जो मार्केट में मैं उनके आधे रेट पर अवेलेबल करा दूंगा मेरे को ये बताओ ना कौन दूसरा बंदा ये चीज़ कर रहा है मैं लेके टू सीटर गाड़ी लेके तो घूम नहीं रहा अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ वो अच्छे कॉज में जा रहा है आप अच्छे पहली बात लिए तो लिए मैं उसके लिए भी आंसरेबल किसी को हूँ नहीं कि मैं कमा के कितना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ पर अगर मेरी नीत साफ़ है तो मैं कुछ भी करूँ मैं खुद से खुद को सेटिस्फाई रखता हूँ कि मेरी नीत ख़राब नहीं है खत्म बात तो अगर आप किसी के लिए आंसरेबल नहीं हो ना ऑडियंस ना इसके लिए तो फिर आप सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट क्यों करते हो फिर आप हमारे घर पे बैठो मेरी मर्जी मेरा अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम मैं कुछ भी करूं मैं आंसरेबल नहीं हूँ तो मैं आंसर देता भी नहीं मेरा जब आंसर देने का मन करता है मैं दे देता हूँ मैं आपसे जो पहले पूछ रहा था मैं अभी ने कोई लीगल चीज साइन नहीं करी ना कि मैं कब आंसर दूंगा मैं कब आंसरेबल होऊंगा मैं कह रहा हूँ ना भाई मैं मेरी जिंदगी मेरे टर्म्स में जीता हूँ अभी मेरा मन करेगा ना कि मेरे को उठ के जाना है मैं कहूँगा भाई मेरा जी नहीं कर रहा मैं जा सकता हूँ पूछूंगा उठ के नहीं जाऊँगा सिंपल बात है पर फिर भी ऐसा होगा ना कभी कभी ना कभी आप भी बचपन में कहीं और कभी आप नॉर्मल इंसान हुआ करोगे कुछ ना कुछ बदला होगा कि आप इतने हो गए अब भी नॉर्मली हो वो लग नहीं रहा होगा पर मैं नॉर्मली हूँ मेरा दिमाग भी वैसे ही चल रहा है जैसे आपका चल रहा है देखो जीवन में सबके साथ बहुत तरह की चीज़ें आती हैं अब किसी की बंदी भी छोड़ जाती है वो सोचता है मैं किसी पर भरोसा ना करूँ कोई धोखा दे जाता है तो उसको लगता है सब धोखा देंगे ये चीज़ें जीवन में सबके साथ चलती हैं सबके साथ उतार चढ़ाव आते हैं पर कोई बंदा ना एक या दो चीज़ों को याद ही नहीं रख पाता कि हाँ यही चीज़ हुई है क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना ऐसा होता रहता है जो कुछ ना कुछ सीख देता रहता है पर हम उसे कागज़ पे नोट नहीं करते ना वो सबकॉन्शियस में बैठ गया अगली बार जब सेम चीज़ अराइज होगी तो दिमाग और बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी अब ये करना है हैव यूर एनी स्ट्रगल्स इन योर लाइफ या बिल्कुल ही सब एकदम स्मूथ सेलिंग चलता है भाई किसी की लाइफ बिना स्ट्रगल के चलती ही नहीं है पर मैं उनका रंडी रोना नहीं रो सकता है तो भाई एक बात बताओ फिर हम क्या बात करेंगे आप मैं आपसे लिटली पूछ रहा हूँ आप हर बात पे वन वर्ड ये तो होता ही नहीं है मतलब एक कोई उदाहरण कोई कोशिश तो दो हमें कोई एक तो दो स्ट्रगल ले लो अगर देखना है स्ट्रगल का कि मेरे चोट कितनी लगी है ठीक हाँ। है मेरा लेफ्ट पैर तो आप मानते नहीं आप कह रहे हो मैं कहने के लिए कह रहा हूँ मेरा वैसे कोई स्ट्रगल नहीं है देखो मेरे स्ट्रगल मेरे हाँ मेरे स्ट्रगल लेने के लिए नहीं है कि भाई मैंने इतनी कठिनाई झेल ली और मैं उसके बाद यहाँ आया हूँ मैं तुम सबसे अलग सबकी लाइफ में होती है अगर मान लो मेरे पास फाइनेंशियली चीज स्टेबल है हाँ। तो मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में स्ट्रगल महसूस नहीं कर पाऊंगा किसी के पास पैसे नहीं है वो जी लेगा अगर मान लो मैं इमोशनली ड्रेन हूँ किसी के पास पैसे नहीं है पर वो इमोशनली सही है तो वो उस आस्पेक्ट में स्ट्रगल नहीं दे स्ट्रगल का एक आस्पेक्ट नहीं है ना करेक्ट बहुत सारे होते हैं बहुत सारे आस्पेक्ट हैं सबकी लाइफ में स्ट्रगल है सबकी लाइफ में स्ट्रगल है पॉसिबल ही नहीं है कि आप जीवन जी लो और उसमें स्ट्रगल नहीं है अगर जीवन में स्ट्रगल नहीं है और आप जी रहे हो ना तो आप चूतिया जाओ आपके या फिर आप नशे में हो आपके आसपास आपके दोस्त यार हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके कोई कंसिस्टेंट फ्रेंड ग्रुप है देखो मेरा खाली एक ही भाई है उसका नाम सनी है बाकी आपके बड़े भाई भी तो हैं मेरे ब... मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि यारी दोस्ती में ब्लड अच्छा। रिलेशन को मैं इसमें इंगेज ही नहीं कर रहा ब्लड रिलेशन तो देखो ब्लड रिलेशन है चाहे वो कल को कुछ भी करे वो अपना है पर मैं खाली सनी को मेरा भाई मानता हूँ और किसी को नहीं मानते बाकी सब दोस्त है जानकार बाकी लोगों से बहुत अच्छे टर्म्स है मैं यहाँ पे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि मैं बोल दूँ भाई वो भी मेरा दोस्त है देखो अगर मैं किसी के लिए गोली खा सकता हूँ चला सकता हूँ तो वो मेरा भाई है अगर मेरे पास सौ रुपये भी पड़े ना किसी को जरूरत है मैं सौ दे सकता हूँ वो मेरा भाई है अब मैं राह चलते आदमी को भाई कैसे बोल दूँ ना सबसे अच्छे टर्म्स है कभी जीवन में उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम खड़े होंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूछ सकते हैं वो खड़े होना हो वो उनकी मर्जी है फिर आपने चलो मैं मान लेता हूँ आपके एक ही भाई हैं फिर आपने भाईचारे में या आप देखो हाँ सिंपल चीज़ है एक जुटता ना एक चीज़ होती है एक जुटता एक चीज़ होती है वो कॉज है अगर मेरे साथ कुछ भी चीज़ प्रॉब मेरी गाड़ी का टायर फट गया तो मैं भाईचारे को नहीं बुलाऊंगा ना कि भाई इकट्ठा कर दो अगर कोई चीज़ सोचेली है अब मान लो किसी दलाल सरनेम का मजाक उड़ा उड़ाए कोई दलाल बोल रहा है तो मैं मेरे भाई को बोल सकता हूँ ना भाई आज मेरे साथ चीज़ है कल को तुम्हारे साथ हो सकती है मान लो आज मेरे पास फॉलोइंग ठीक है मेरी बात रखी जा सकती है कल को एक बंदा जो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं अगर उसके साथ सेम प्रॉब्लम अराइज हो गई सोशल प्रॉब्लम है ना मेरी अकेले की इंडिविजुअल नहीं है तो वो कहीं भी हो सकती है जो मैक्सटन और एलविश की लड़ाई हाँ। थी आउट ऑफ नो आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है आई कॉन्ट अंडरस्टैंड एकदम रजत दलाल क्या कर रहा है इसके अंदर देखो नहीं? दोनों की साइड के कुछ लोग थे जो मेरे नोन थे कॉमन थे एक ना मैंने स्टोरी डाल दी थी कि कोई पिटने का काम करेगा तो पिटेगा ही मैंने तो नॉर्मल डाली थी भाई उस पर तिहत्तर जाने चौहत्तर हज़ार शेयर थे एक स्टोरी पे वो घूमती घूमती बात इतनी घूम गई कि पूरे सोशल मीडिया पे ये हो गया रजत दला जिस पर एंट्री ले रहा है बीच में दोनों के लोग कॉमन थे तो बातचीत हुई मैंने किससे जगह निपटारा करो तो पहले मैक्सन से बात करी फिर एलविस से बात करी और बात ख़त्म हो गई अगर ये चीज़ बढ़ानी होती ना तो एक दिन की जगह एक हफ्ते खिंचती और मैक्समन पिटाता ना मैक्समन का साथ दे के एलविश के अगेंस्ट खड़ा होता पर दोनों अपने थे तो वहाँ बात खत्म होगी और देख लो अब तो गाना भी आ गया मुझे तो समझ में नहीं आया हुआ क्या लोगों ने ये बोला कि तुम ही लोग बेवकूफ़ हो जो इस कॉन्ट्रोवर्सी को देख भी देखो रहे, मैं असल में चीज़ बताता हूँ इन चीज़ों में टाइम फोड़ना ना मुँह रखता है हुई है मैं मानता हूँ मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ पर पता है देखो जब चीज़ फ्लो में जारी होती है ना अभी फ्लो में चीज़ जारी है मैं बोल रहा हूँ अब जब ये कभी रिलीज होगा होगा जैसे भी इसके कटवट निकलेंगे तब मैं एनालाइज करूंगा कि मैं उस टाइम किस फ्रेम ऑफ माइंड में था श्योर जब चीज़ फ्लो में जा रही है ना तब आप फ्लो में हो आप उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे एनालाइज आप तब करोगे जब वो चीज़ आपके सामने होगी आप शांत दिमाग में होगे और उसे एक दर्शक के तौर पे देख रहे होगे मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरी कोई भी कट निकला पड़ा होता है ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं दिखता मुझे लिटरली बहुत चीजें देख के ना शर्म आती है अगर मैं कहीं मैं लिटरली बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहे मैं अगर कहीं गाली दे रहा हूँ ना मैं उसे स्क्रॉल कर मैं देख ही नहीं पाता मैं खुद को नहीं देख पाता भाई पर जिस टाइम मैं वो चीज़ कर रहा हूँ ना उस टाइम मेरे को लगता है मैं ठीक मेरे पार्ट में बहुत गलतियाँ ही मान रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा मैं गालियाँ वाली ना कम दूँ भाई वो फ्लो में निकलती हैं यार वो जानबूझ के कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैं इस हिसाब से जाऊंगा या उस हिसाब से जाऊंगा आई डोंट थिंक आपको गाली के लिए लगता तो सीरियसली सोचना चाहिए क्योंकि फ्रैंकली ये अगर स्लैंग है है ना डायलेक्ट मैं आपकी सारी चीज़ समझ रहा हूँ मेरे घर वालों ने कभी मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा था कभी नहीं देखा, देखा। अभी वो, वो इंस्टाग्राम पे भी नहीं है भाई मेरे रिलेटिव बैठ घर फोन कर रहे कि ये मेरा घर का नाम गुल्लू है हाँ। कि ये गुल्लू गालियां दे रहा है इंस्टाग्राम पे भाई मेरे घर वालों ने फोन करा अब उनने बोला तो बात रखनी पड़ेगी मतलब जितनी कम से कम होगी मैं भाई अपने लोगों की बात नहीं काटी जाती मैंने उस दिन के बाद से बहुत कम कर दी है मैंने मेरे पापा ने बोला तू कुछ भी कर लड़ाई पंगे करने कर जेल जूल काटनी है काट सर्वर छूट फूटवा पर ये गाली मत दे किसी की माँ बहन को तो भाई उस टाइम में वो चीज़ थोड़ी सीरियस ना हिट हुई कि मैं तो फ्लो में बोल जाता हूँ पर अगर कोई देख रहा है ना तो वो भाई सॉरी ये कैमरा ये वाला है वही वाला ये ये वाला कैमरा भाई सॉरी भाई अगर मैंने गाली गुली दी है और वो चीज़ गलत वलत लगी है ना मेरे पार्ट में थोड़ी कम करूँगा गलत गलती है मेरी मान रहा हूँ वो गलत चीज़ है इसको मत एक्सेप्ट करना आगे फिर भाई जो जाए जाए, 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 जाए जाए इसमें सॉरी मांगने में क्या दिक्कत है समझ नहीं आता कब आप पोलराइजिंग होते हो कब आप मजाक कर रहे होते हो स्प्लिट पर्सनलिटी स्प्लिट पर्सनैलिटी ऐसा आपको लोग आपको बोलते हैं कि यार मेरे आप... को खुद को पता है क्या है आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से मैं मूड चेंज कर लेता हूँ नहीं वो चलो ठीक है वो तो हर आदमी करता है मूड कॉन्टेक्ट के हिसाब से पर आप डायग्नोज हो ऐसा भी कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना हाँ ठीक है ठीक है क्योंकि मेरे को मैं कभी डॉक्टरों पे जाता ही नहीं भाई मैं कभी बीमार नहीं होता हाँ तो मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आपके बीमार नहीं हुए कभी बीमार मेरे को आ, पोलन से एलर्जी है मतलब गेहूँ की जब रफी कटती है ना हा, हाँ हाँ उससे इशू है इशूंग सीजन में मेरे को लिटरली ध्यान नहीं है मेरे को लास्ट टाइम बुखार भी कब हुआ था मतलब मेरे को सही में ध्यान नहीं है अगर मैं कभी सोचूंगा ना कि मैं कब बीमार हुआ था कब मेरे को ध्यान ही नहीं है मैं डॉक्टर के कभी था। कभी इंजरी के लिए मैं कभी फिजियो पे गया हूँ ठीक है आप कभी डॉक्टर के नहीं गया आप रात को सिर्फ तीन चार घंटे सोते हो मतलब डिपेंड करता है कभी कभार आठ दस भी हो जाते हैं मतलब मोस्टली तीन साढ़े तीन चार रहते हैं क्या आप आपको दिमाग हाइपर एक्टिव है चलता रहता है हाँ, नॉनस्टॉप वो रुकता नहीं है मतलब मैं अगर नींद में भी वॉशरूम के लिए उठूंगा ना हाँ. तो मतलब बेड से लेके वॉशरूम तक जाने में भी ना वो कुछ सोचने लग जाएगा कि मैं ये करूं ये करूं ये मतलब गलत सेंस में नहीं हाँ हाँ मतलब वो नहीं रुकता डू यू थिंक वेरी पर आप क्या है नेक्स्ट like... मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर मुझे सब कुछ चाहिए मतलब मेरा लोभ किसी चीज का नहीं है पर मुझे पता है कि मैं लायक हूँ एक होता ना एक इंसान के पास दिमाग होता है और दिल होता है आ, देखो दिमाग और दिल का ना एक यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए चीज़ें बहुत हिसाब से करने में अगर आप शार्प माइंडेड हो आप चीज़ें सोच सकते हो पर आप में जिगरा नहीं है उन्हें करने का तो पॉसिबल नहीं है आप में जिगरा है पर आप चूतिया हो तो आपको ये नहीं पता वो चीज़ें करनी कैसे हैं मेरे को पता है मेरा दिमाग ऊपर वाले के दिन से ठीक है आ, मैं नहीं कहूँगा बहुत तेज है कम है दिल भी ठीक है नरम जगह पर नरम भी है और स्टैंड लेने की जगह पर स्टैंड भी लिया जाता है मेरे को रिस्क लेने में कभी मेरे को डर नहीं लगता आपने अभी तक अपने कौन से कौन से एम्बिशन है जो आप पूरे कर चुके हो क्योंकि आपने बोला सब कुछ चाहिए तो ये वाली बात है यार देखो जन्न... मैं चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को एक एक यही चीज़ चाहिए चीज़ समझ रहे हो और किसी हाँ। चीज़ की ना एक अगर मैं लिमिट साथ दूंगा तो मैं खुद को ना रोक रहा हूँ पर डिफाइन तो करना पड़ता है आदमी को कुछ चाहिए होता है यार देखो सारे आस्पेक्ट हैं फिजिकल आस्पेक्ट है कि भाई मैं एक शरीर के तौर पर जितनी चीज़ें अच्छे हिसाब से कर सकूँ जो मैं असल पर करना चाहता हूँ और मैं बोलूँ मैं भाई जिमनास्ट कर लूँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो खाली थॉट प्रोसेस है खाली तो वो सेंस ही नहीं करेगी मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ मैं कितना रिफ्लेक्स वाइज तेज हो सकता हूँ मेरी स्पीड कितनी तेज़ हो सकती है मैं उस चीज़ पर फिजिकली देखूंगा मेंटली मैं दिक्कत से दिक्कत मतलब हार्ड से हार्ड सिचुएशन आ जाए हार्ड से हार्ड तो यही आती घर पर कोई प्रॉब्लम आ जाए अगर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उसमें मेरी हार्ट बीट जब कंट्रोल्ड रहेगी कि हाँ मेरी बहन जो गांड नहीं फट रही मेरे हाथ नहीं काँप रहे पैर नहीं काँप रहे कि क्या करूँ मेंटली उस लेवल तक पहुँचना शोशली इस तरह से चीज़ें करनी कि हाँ मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे को गाली नहीं मिल रही मेरे को प्यार मिल रहा है मैं सर झुका रहा हूँ लोगों के भी झुक रहे हैं भाईचारे में प्यार से एकजुटता के साथ मेरे पार्ट पे अगर मान लो मैं पावर लिफ्टिंग के थ्रू मेरा नाम पावर लिफ्टिंग के थ्रू है, है कॉन्ट्रोवर्सी से नहीं हुआ ठीक है अगर मैं मेरे इनिशियल स्टेजेस में मैंने कोई चीज़ हार्डशिप्स देखी हैं जो इशूज़ देखे हैं जो मैं मेरे दम पर सुधार सकूँ ताकि आने वाले बच्चे वो देखें पर वो कम देखें अगर मान लो मेरे पास गेयर्स नहीं थे लिफ्टिंग गेयर्स कि एक्सपेंसिव थे तो वो किस हिसाब से मैं कर सकता हूँ कि एक नॉर्मल बंदे की रीच में पहुँचे स्कूल वाले की कि वो अपनी लिफ्टिंग इनिशियल सेजिज़ में सुधार सके क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ अब जैसे फरीदाबाद में एक भी जिम नहीं है ढंग का पावर लिफ्टिंग के लिए कि क्या ऐसा हो कि हर 10-15 किलोमीटर के रेडियस में एक जिम हो जहाँ पे कोई भी अगर ट्रेन देखो अगर इक्विपमेंट ही ढंग के नहीं है चीज़ें ही ढंग की नहीं है, तो प्रैक्टिस इस पर करो सोशली चीज़ें उस हिसाब से जाना इमोशनली उस हिसाब से उस लेवल पे पहुंचना कि कुछ भी हो रहा है मैं कंट्रोल में हूँ मैं बह बहनी राफलों में समझ रहे हो कि अगर आपने मेरे को अभी कुछ गाली दे दी और मेरे को वो चुभ गई तो मैं उसको एब्जॉर्ब करना सीख पाऊँ तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली उस हिसाब से स्टेबल होना कि भाई मेरे माँ बाप बहुत एक अच्छी ज़िंदगी जीए हैं जब तक इस धरती पे हैं क्योंकि देखो प्राकृतिक रूप से चीज़ें होती हैं हम बोल नहीं पाते पर मैं चाहता हूँ एक एक दिन वो खुश रहें आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को जो भी चीज़ें चाहिए चाहे घर वाली हो बच्चे हो जो भी हो उनकी लाइफ इतनी स्टेबल हो कि उनको कल को ना ये ना हो कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे तो एक आस्पेक्ट नहीं है भाई सारे आस्पेक्ट हैं जिनके लिए लेके ना एक इंसान सोचता है कि मेरे को यहाँ करना है तो ये नहीं है कि मैं बोल दूँ मेरे को घर लेना है मेरे को गाड़ी लेनी है वो सेंस नहीं करेगा सेंसिंग करेंगे तो पूरा लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है ये तो एक दिन तो भाई जिंदगी भी तो लाइफ लॉन्ग ही है ना एक दिन में तो आप एज क्या है अभी अट्ठाईस साल अट्ठाईस साल है सत्ताईस बोलता हूँ सर अपनी एज से काफी बड़े लगते वैसे मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया <laughs> सच है सच है भाई अच्छा आप, आप, आपने आप ले रखे हैं हाँ डेढ़ साल से नहीं ले रहा आप तैयारी स्टार्ट करूंगा तो वापस लूंगाइड लो लोगे आप। तो इसमें कोई शर्म थोड़ी भाई सब लेते हैं देखो सिंपल सी चीज है वो जो बोलते हैं ना इन्हें लेके अग्रेशन आ जाता है मुझसे दूर रहो वो तो चूतिया अगर आपकी गांड में दम नहीं है ना लेने का तो इससे दूर रहो आप ले रहे हो आपके माँ बाप नहीं ले रहे आपकी बंदी नहीं ले रही आपका दोस्त नहीं ले रहा तो अगर आप में इतनी दिमागी रूप से स्थिरता नहीं है कि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो और आप खुद को संभाल पाओ तो सेंस ही नहीं है ना भाई उसकी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी आप अपने मम्मी पापा से अपनी बंदी से अपने दोस्तों को नहीं बोल सकते मैं माल पे हूँ मेरे से दूर रहो मेरे को गुस्सा मत दिलाऊँ आपको मेंटली पहले बहुत स्टेबल होना पड़ेगा चीज़ है बिल्कुल नहीं बहुत सारे लोग नहीं संभाल पाते कुछ कुछ इनिशियल टाइम पे मेरे से भी बहुत इश्यूज होते थे कुछ कुछ चीज़ों पे कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं ऐसे जो क्या इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना हर क्या? इंसान की बॉडी में हर टाइम लेवल अलग है उस टाइम sure. वो क्या चीज़ ले रहा है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क करेगी कि उसकी डाइट कैसी चल रही है अब मान लो आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है इमोशनली एकदम आपके पास कोई चीज़ आएगी आपके घर में से कोई एडमिट हो गया या आपका कुछ गिलविल टूट गया तो इमोशनल फैक्टर अलग हो गया ना बॉडी के हार्मो उस टाइम पावर लिफ्टिंग में जरूरत पड़ती है स्टेरॉइड्स की बिल्कुल पड़ती है कोई भी कम्पिटेटिव गेम है कोई भी कम्पिटेटिव गेम मैं नहीं कह रहा सब यूज कर भी भाई हर चीज अगर कम्पिटेटिव है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा जो परफॉर्मेंस को इनक्रीज करेगा इनहेंस करेगा हर कोई नहीं लेता पर अगर आपको क्रीम में आना है ना टॉप टीयर में आना है भाई मैं चीज बहुत सीरियस बेसिस पे बोल रहा हूँ दिल पे मत लेना कुछ लोग जो नेटी लिखते हैं असल में चीजें यूज़ होती हैं आप मानो ना मानो और लोग साइड इफेक्ट्स चीज बताओ जिम जाओ और आप मेरे को बताओ, तीन मार पाओ अलग चीज है पर चीजों में जब एक्सलेशन होता है ना और कैटलिस्ट की तरह चीज कोई काम कर रही है कि चीजें रिस्पॉन्स जल्दी 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 कर रही है तभी इंसान सोचता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं वरना एक टाइम पे आगे बंदा कहेगा यार यार भैंस कुछ हो ही नहीं रहा मैं इस चीज के लिए बनाएंगी तो रॉयड यूज होते हैं यूज किए जाते हैं बस उन्हें सही हिसाब से यूज करोगे तो आप हर चीज़ सही हिसाब से कर पाओगे अगर आपने कंप्लीट नहीं करना तो कभी भी इस कुछ लोग होते हैं ना मेरे को शूट कराना है मेरे ऐप्स क्लियर कर दो अगर कम्पीट करना है तो कम्पिटिटिव बेसिस पे लो और जब कम्पीट करना छोड़ दोगे ना तो उसके बाद छोड़ दो अगर मान लो मैं कम्पीट कर रहा हूँ चौंतीस पैंतीस साल तक उसके बाद मेरा विचार है शूटिंग में रहने का कि दिमाग भी थोड़ा स्थिर होगा हार्ट बीट भी थोड़ी नॉर्मल होगी तो वो चीज़ बेटर होगी तो मैं उसके बाद नहीं लूँगा पर अगर मैं ले रहा हूँ और मैं मेरे देखने वालों को सही हिसाब से आंसर ही नहीं दे रहा और मैं उन्हें गुमराह कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ ना मैं अगर कोई चीज़ ले रहा हूँ तो वो खुल के बोलने में शर्म की बात की है अगर मैं शर्म रख रहा हूँ तो यानी मैं गलत कर रहा हूँ मैं गलत कुछ कर ही नहीं रहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये पूरी दुनिया है बॉडी बिल्डिंग की या साइड में उसको बोले पावर लिफ्टिंग की इसमें इतना एस्थेटिकली अच्छा दिखने का जुनून के लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी क्यों लगा देते हैं इसके अंदर इतना यूं यूं हैं सिंपल चीज़ ऐसी है ना किसी भी चीज़ में इंसान को अगर प्रोग्रेस दिखती है ना तो उसकी भूख पड़ती है पर आपको नहीं लगता ये बहुत कंपेरेटिव है और बहुत लोग मतलब फेल हो जाते हैं मैं मेरी लाइफ से मतलब रखता हूँ आपके लिए भी ना हाँ। कि आपने कितने सारे त्याग करे यार अब रॉयड्स ले रहे थे सिंपल चीज इतनी है हर इंसान का एक पोटेंशियल होता है हर इंसान का एक भ्यूत है हर इंसान चाहेगा कि मैं अपने पीक पे पहुंचू किसी भी तरह से किसी भी तरह से अगर कंपिटेटिव है तो और जब आपने रॉयड्स वगैरह लिए तो आपने फिर अपने आप को मतलब कोई साइड इफेक्ट्स हुए इसके मेरे को फिलहाल तक यार देखो मैं चीज़ बताता हूँ कुछ लोग होते हैं जिनका शरीर इस हिसाब से मना होता है कि वो मिट्टी भी खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है hmm. कुछ लोग होंगे जो हल्के से बीमारी के आसपास भी जाएंगे उनके कुछ इन्फेक्शन फैल जाएगा भाई hmm. लोग बोलते हैं कि ये इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन ये दिक्कत मेरे को आज तक कभी भी मेरी ना तो रिपोर्ट खराब हुई ना कुछ इशूज हुए कि लोग बोलते हैं हमें ये हो गया वो गया कभी भसड़ बनी ही नहीं भाई कभी भसड़ बनी ही नहीं क्या होता ना कि शरीर में दिक्कत आ रही कभी नहीं आई ऊपर वाले के आराम से भाई सबसे किया Uh, एक सवाल मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स हैं या रहे हैं आई यू आई यू डेटिंग समॉन राइट नाउ ये मतलब मैं नहीं इतनी चीज़ आपने दिल से नहीं पूछ रहा ये चीज़ ये मैं वो वाली चीज़ कर रहा हूँ जो, जो आदमी जनता के लिए करता, क्यों करता है क्योंकि मैं अन अवेलेबल अच्छा बस बात करता हूँ <laughs> <laughs> मैं छोरीबाजी से बहुत दूर हूँ कोई लेना नहीं कोई देना नहीं क्योंकि <laughs> <coughs> समाज सेवा ज़्यादा ऊपर है ऐसा कोई ठेका थोड़ी ले रखा है भाई नहीं जाना कहीं इधर उधर पर रिलेशनशिप्स तो फिर भी रहे होंगे भाई क्यों बात उगलवाना रहे हो गई इसलिए मैं बोल रहा था यार ये ना मैं खुद भी ना इतना कंफ्यूटेड रहता हूँ मेरा मन नहीं करता ये सब चीज़ें पूछने मैंने का मैंने कहा ये एक चीज़ है जो कोई कर पूछ भी लेगा तो मैं बताऊँगा नहीं ठीक है ठीक है फेयर एंड यार अब आपके पास जो ये करंट वाली लाइफ चल रही है आप भी अभी भी लोगों को ट्रेन करते हुए नहीं करते डेली अपडेट भी जाते हैं पूछ लो किसी से भी अच्छा ये जब पॉडकास्ट होगा तो कमेंट आ जाएंगे नीचे क्या चीज़ कि भाई टाइम से रिवर्ट जाते मैं बहुत लिमिटेड लोगों को ट्रेन कराता हूँ मेरा कोई ये नहीं है कि मैं बहुत लोगों को ट्रेन करा रहा हूँ अगर मेरे को कोचिंग का ही काम बढ़ाना होता ना मेरी कभी किसी ने स्टोरी नहीं देखी होगी डी फॉर ऑनलाइन कोचिंग मैं कुछ नहीं डालता कहीं भी नहीं डालता मैं मेरे क्लाइंट्स की स्टोरी तक नहीं डाल रहा ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई कोचिंग के काम बढ़ाने के चक्कर में ये चीज़ कर रहा है पिछले मेरे को नहीं लगता तीन साल ढाई साल से मैंने कभी स्टोरी भी डाली होगी कि डी फॉर ऑनलाइन कोचिंग जो मेरे पास क्लाइंट है वो मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट है दो दो तीन तीन साल से मेरे पास है फालतू बजट मुझे चाहिए नहीं लड़के लड़के ट्रेन कराता तो मैं लड़के ट्रेन नहीं कराता क्या? टिपिकली क्या कराते हो आप उसके अंदर लाइक बेसिकली मेरे ने? पास पावर लिफ्टिंग के लोग ही ज्यादा है पावर हाँ। लिफ्टिंग होगी या बॉडी बिल्डिंग टाइप कह सकते हो ना कि अपियरेंस अच्छी रहे उसमें स्ट्रेंथ पड़े ना मैं फैट लॉस के बंदे लेता ना मैं लाइफ के बंदे लेता अगर आप अच्छे से घिस के मेहनत कर सकते हो तो हम साथ में काम कर सकते हैं

बॉडी का ना अडेप्टशन बहुत तेज मतलब मैं कैसे इस चीज को मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अब सुन के बहुत अजीब से लगेंगे मैंने गाड़ी चलाना पिछले साल सीखा है मतलब सही में हाँ मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मेरे को किसी ने गाड़ी चला इससे पहले थे। आप लोग बैठ बैठ के जाते थे मैं कभी गाड़ी नहीं चलाई पाई मैंने अट्ठारह या उन्नीस तारीख को पहली बार गाड़ी चलाई है पिछले साल जनवरी दो हजार तेईस हाँ दो हजार तेईस में मैंने मेरी गाड़ी से खुद की गाड़ी से गाड़ी चलाना सीखा है मेरे को कहीं भी एक क्लिप नहीं दिखा सकते या मेरा कोई एक बंदा इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट नहीं कर सकता रजत ने कभी गाड़ी चलाई है मैं बाइक की डालता नहीं हूँ डालनी स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट दो सौ साठ में आराम से दिखे ले सिंगल हैंड से आप चला रहे हो बाइक दो सौ साठ दो सौ सत्तर में आराम से खींच दूंगा बहुत आराम से अपने इन यार एक बात फिर तो आपको बाकी लोग चूती और मामूली लगते होंगे भाई आप इतने टाइप किसी को जज करने वाला कोई इंसान नहीं है अगर ऊपर वाले ने मेरे को कुछ एसेट दिए हैं ना कुछ ब्लेसिंग दी है तो वो मेरी कर्ज हुई है इस चीज़ को थोड़ा अगर तसली से समझोगे ना अगर पावर लिफ्टिंग के तौर पर मेरे को ब्लेसिंग दी है कि मैं बहुत मजबूत हूँ मैं सबसे मजबूत मजबूती है ना मैं कंपेरेटिवली मजबूत हूँ तो मेरे को चोट भी तभी लगती है अगर मैं वो चीज़ करूँगा ही नहीं तो मेरे को चोट नहीं लगेगी अगर कल को ऊपर वाला ना करे मेरा कभी एक्सीडेंट होता है तो वो कर्ज मेरे लिए कैसे आया है जो मेरी ब्लेसिंग थी कि मेरा फोकस है मेरा कंट्रोल है मैं जिस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ बहुत चौड़ लेता हूँ उसी ने मेरे को डुबो दिया समझ रहे हो तो ब्लेसिंग जो भी है ना वो कर्ज भी है भाई अगर दिमाग सही हिसाब से तेज चल रहा है ना अगर वो गलत डायरेक्शन में चेंज चल गया चेंज हो गया तो लाइफ की डायरेक्शन ही अलग हो गई अगर मेरी रेज है मैं उसे पावर लिफ्टिंग में निकाल रहा हूँ इट्स वेल एंड गुड अगर कहीं गलत जगह निकली तो मैं जेल में हूँगा अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ मेरे को मेरे निशाने हैं गांड फाड़ है गांड फाड़ है, है ये चीज़ें मैं डालनी स्टार्ट करूँगा मैं कभी नहीं डालता मैं पंद्रह मीटर तक ना बॉटल के ऊपर का ढक्कन उड़ा दूँगा बहुत प्यार से लगातार चाहे बीस बार उड़वा लो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ बाद में रिकॉर्डिंग डाला करूँगा दिख जाएगी मैंने कभी मेरे अंदर की चीज़ें किसी को दिखाई नहीं है मन ही नहीं करता था पावर लिफ्टिंग के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं था तो भाई जो अगर मैं वो निशाने ले रहा हूँ अगर कल को मान लो मेरा दिमाग बहुत अलग चलने लग गया कि मेरे को किसी से बदला लेना है मैं बहन चाहूँ ढाई की स्पीड पर बाइक पर नंबर प्लेट हो ना बहन चो तीस मीटर से बंदा उड़ाया बाहर ढूंढते रहो कौन था मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तो मैं कभी भी गलत डायरेक्शन में ना खुद को जाने नहीं देता मैं चैरिटी में ना बहुत बिलीव करता हूँ वो खाली इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे अंदर ना एक बहुत गंदा इंसान है लोग एक्सेप्ट नहीं करते मेरा मेरे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान भी है पर एक बहुत ख़राब इंसान भी है मैं सच में नहीं चाहता वो खराब इंसान बाहर आए क्योंकि मैं सबकी माँ छो दूँगा मैं लिटरे छो दूँगा मैं मतलब खुद को मे मेरा दिल जानता है कि मैं ना खुद को कितना काबू रखता हूँ मेरे को किसी से बैर नहीं रखना मेरे को सबके साथ बहुत प्यार से रहना है वो रेज अगर इस स्किल सेट के साथ इस फ्रेम में गलत गई ना तो मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी अच्छी नहीं होगी वो खराब हो जाएगी लोगों से प्यार दो लोगों को लोगों से प्यार लो मेरे को डार्कनेस वाली चीज़ नहीं चाहिए भाई मेरे को लिटरली नहीं चाहिए हाउ डू कंट्रोल वो मैं यार खुद नहीं बता सकता मतलब मैंने पूजा करना भी ना छोड़ रखा है मैं नहीं करता मैं बोलूँगी मैं पूजा करता हूं ना तो मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि मैं मैं ऊपर वाले से कुछ मांग रहा हूं और मेरे अंदर से ही ना मेरे को आंसर्स मिल रहे हैं मतलब वो मेरी गांठ फट जाती है आधी बारी ना ये चीज जब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तो मैं नहीं करना चाह रहा कि मतलब मेरे को लगता है ना कि मैं ये चीज कर दूंगा तो मेरी वो चीज कर देता हूँ पर वो अगर गलत सेंस में जाने लग गई ना मैं पूजा पाठ की जगह ना काम पे थोड़ा ध्यान देते हूँ जैसे चीज़ को खाना खिला दिया कुत्तों को खाना खिला दिया क्योंकि मैं स्पिरिचुअली जब कनेक्ट होना स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरे अंदर भैनसूच कह सकते हैं कुछ ना एक्टिवेट सा होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे को लगता है मैं ना वहन मेरे को कोई छू नहीं सकता हाँ मतलब होता है मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ मैं एक सौ अस्सी एक सौ नब्बे कटवट मार देता हूँ उन पर और बंदों की अस्सी पे कानफर्ट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ और मेरे को ना हर चीज़ में कोई रास्ता दे रहा है मुझे कुछ नहीं करना मुझे बस चलते जाना है पर भाई जब मैं घर बैठता हूँ ना तसली से तो मेरे को महसूस होता है कि अगर एक सिंगल परसेंट को ये तो आज सब खत्म था एक सिंगल परसेंट को ये तो आज सब खत्म था तो मैं फिलहाल लाइफ को बिल्कुल एज पे जीते हो मैं एज पे तो नहीं जीता भाई देख मैं सही सलामत हूँ सब कुछ सही है भाई आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है क्या मतलब मैं बिल्कुल खुल के चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई रट के आंसर दे रहा हूँ या नहीं नहीं पहले बात ही नहीं हुई हमारी इस बारे में कुछ भी जो बात है मैं दिल खोल के रख रहा हूँ अब ये किसी को अच्छी लगे खराब लगे समझ आए ना आए तो आपको ऐसा लगता है कि आप अगर पूजा पाठ करते हो तो आपकी एनर्जी और एक्टिवेट होती हो ज़्यादा हो जाती है पर मेरे को खतरा इस चीज़ का लगता है कि मैं अगर गलत साइड चला जाऊँगा ना तो वो बहुत गलत है इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर डार्क साइड इज सो पावरफुल दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कॉन्सेंट्रेट मेरे it. को उसको शांत रखना पड़ता है लोगों को लगता होगा मैं कॉन्ट्रोवर्सी जानबूझ के कर रहा हूँ कि भाई वो हमारा जो लॉ है हमारा जो प्रशासन है हमें उसकी इज्जत करनी पड़ती है और उसके अंडर रहना पड़ता है कि आपको अगर इस देश में रहना है ना तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो लॉ के अंडर है अगर लॉ नहीं होता ना और मेरे पीछे माँ बाप नहीं होते तो मैं कुछ और होता यू थिंक यू वुड बी अ सैवेज नहीं मैं कुछ नहीं Civilize आप बिल्कुल सिविलाइजेशन से बार 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 भाई बार मेरे को देखो ऐसा लगता है मेरे को ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो चीज़ें इंसान ने बनाई है ना मैं वो नहीं मानता मैं वो लिटरली नहीं मानता अब मेरे को वैसे तो प्रशासन वालों ने बोला हुआ है कि कुछ गलत बोलना नहीं है हाँ हाँ इसके हो सकता है कुछ यार वो गलत नहीं बोल रहे हो सकता है इसी को मैं मेरे विचार रख रहा हूँ हाँ हाँ मैं मेरे विचार रख रहा हूँ फेयर एंड ऑफ मैं बता देता हूँ हाँ। अगर हमारे को किसी इंस्टीट्यूशन से कोई प्रॉब्लम होती है हमारे देश में हमें अधिकार है वो बोलने का देखो अगर मान लो कि स्पीड लिमिट रखा रखी है चालीस किसने लगाई है किसने लगाई है इंसान ने लगाई है ना माँ चुदाय मैंने ठेका ले रखा है मैं थोड़ी हूँ मेरे पापा थोड़ी हैं नहीं जय चीज़ है मेरे पापा ने थोड़ी लिमिट लगाई है किसी ने लगाई है कि इतने पैसों पे इतने टैक्स भरो भाई मैं उतने की चैरिटी कर देता हूँ तो। मेरे पैसों का किसी को हिसाब किताब नहीं है मेरे अकाउंट में तीस चालीस हज़ार पड़े होंगे मैं ट्वेल्थ क्लास में था अच्छे खासे नंबर आए अगर भाई मैं नब्बे परसेंट कहीं एडमिशन ले रहा हूँ साठ परसेंट किसी दूसरे को एडमिशन मिल रहा है आज से पहले किसकी चेन ने क्या करा मेरी चेन ने क्या करा वो उन्होंने करा मेरा उससे लेना देना था नहीं मैं खाली ये प्राउड फील कर सकता हूँ कि मेरे लोगों ने बलिदान करे तो मेरे को एक चीज़ बताओ अगर मैं नब्बे ला रहा हूँ और दूसरा साठ ला रहा है वो फेयर नहीं है ना इंसान के बनाए रूल फेयर कैसे आज की तारीख़ में जितने भी केसेस होते हैं मेरे अंदर कोर्ट में बहुत लोग अपने हैं नहीं बोलूँगा खुल के सबको पता होता है गिल्टी कौन है पर उसको प्रूव करने में एंड से दस साल लग जाते हैं दुनिया मैटर करती है और बाहर मस्त घूम रही होती है मस्त घूम रही होती है कितनी इनकम के लिए आप टॉप वन परसेंट में आओगे कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए किसने इस लिमिट सेट करी है इंसान ने करी है ना कोई दूसरा होता कौन है एक इंसान मेरे को बताने वाला मेरा पोटेंशियल क्या है जाए चीज़ है ना ऊपर वाले ने जो चीज़ बनाई है कि करम अच्छे करो किसी का दिल मत दुखाओ मैं वो चीज़ें मान लेता हूँ मैं इंसान के बनाए हुए रूल खाली वो फॉलो करता हूँ अगर मान लो मेरे को एक फेडरेशन में खेलना है कि हाँ इस फेडरेशन में ये रूल है मैं वो मानूंगा क्योंकि वो मेरी मर्जी है अगर मेरे को वहाँ खेलना है तो वो चीज़ माननी पड़ेगी पर अगर अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ मेरा दिमाग इंडिपेंडेंट है सोचने के लिए मैं किसी भोसड़ी वाले के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से क्यों चलूँ मैं भारत का कोई लॉ नहीं तोड़ रहा अगर लॉ तोड़ूंगा तो मेरे को सजा होगी पर एक नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में मैं उसके हिसाब से क्यों चलूँ अगर कोई कहता है बॉडी का जितना बॉडी वेट है उसका वन ग्राम प्रोटीन खाओ भाई अगर मैं तीन ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ मेरी बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मल है तो मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलूँ अगर तुम कह रहे हो एक घंटे ट्रेनिंग करो इतनी हार्ट बीट होनी चाहिए माँ चुता है तुम्हारी हार्ट बीट मेरी ठीक है बढ़िया है चल रही है चलने तो मेरी चीज़ जिस हिसाब से मेरे को सूटेबल लगती है कंफर्टेबल लगती है मैं वैसे ही करता हूँ और वैसे ही करूँगा जाए चीज़ इतनी अगर मैं कहीं से दबता हूँ कहीं मैं खुद को पीछे करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पीछे भी लोग हैं और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को ना इशूज़ बने और असल में मेरा किसी से ना बैर नहीं है भाई कि मेरी किसी से ना दुश्मनी हो मैं मेरे मन में द्वेष रखता ही नहीं अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हुई उस भाई के साथ मेरा कोई मतलब ही नहीं है मेरे मुँह से कभी ना उसके लिए गलत सुन ही नहीं सकते इससे पहले भी जिनके साथ हुई कभी नहीं सुनोगे काटा लग गया तो काटा लग गया भाई तुम तुम्हारी लाइफ में मैं मेरी लाइफ में कोई ऐसे लोग आते हैं आपकी जिंदगी में जो आपको ट्रिगर करते हैं कि आर सर को प्रवोक कर देखो हाँ मैं चीज़ बताता हूँ मैं पहले प्रोवोक हो जाता था पर प्रोवोक भी ना मैं उनसे होता था जिनसे मेरे को फर्क पड़ता था जिनको मैं कह सकते हूँ अपना मानता था पर मैंने फिर धीरे धीरे अपना सर्कल ही इतना छोटा कर दिया कि मेरे पास वो लोग हैं जो असल में मेरे हैं जो मेरे को जज नहीं करते जो मेरे को टाइम टू टाइम टाँट गाइड कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तू ये गलत करे जो इतना बोलना जानते हैं कि भाई बोलने का ना एक तरीका होता है बोलने का एक तरीका होता है समझाने का तरीका होता है जिनका मेरे को समझ आता है वो मेरे साथ हैं जिनका नहीं आता वो अपनी लाइफ में कुछ पर आपके जो सिद्धांत है जैसा आपने बोला कि यार दुनिया के बनाए हुए रूल्स हैं मेरी मर्जी देखो मेरा को अपना कोई सिद्धांत नहीं है टाइम और सिचुएशन के साथ इंसान का दिमाग चेंज होता है बिल्कुल अगर मान लो मेरे को आके कोई यहाँ पैर पर गोली मार जाए और मैंने सोच रखा हो सिद्धांत बना रखा हो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा लगी गोली हाँ सब चेंज हो गया सिद्धांत रह गया ना समय के साथ सिचुएशन के साथ इंसान का दिमाग चेंज होता है तो अगर कोई कहता है ना मैं इन सिद्धांतों पे जीवन जीता हूँ या जीऊँगा तो वो वही इंसान जी सकता है जिसकी क्या स्ट्रगल होना था कभी डबल डिजिट में मेरी अटेंडेंस ही नहीं गई मैं ग्राउंड में बैटबॉल खेल रहा था कहने <coughs> का ये मतलब है ना कि अगर इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग डिसमेंट है इतने बड़े सारे रूल्स के साथ तो कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को पब्लिकली नहीं बोलता ऐसा नहीं। ऐसा होता ना कि इंसान जब ये जब इस विचारधारा को बाहर इनेक्ट करता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ नहीं 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 होते हैं कॉन्सिक्वेंस तो हर चीज के भाई इंस्टीट्यूशनली अब तो नहीं है अब आपके ऊपर कौन भाई है, देखो, है स्कूल हो या कॉलेज हो मेरे को एक चीज़ बताओ ना बी कर लिया आपने साइंस से पढ़े हो नॉन मैथ्स से कॉमर्स मैंने कॉमर्स से पढ़ी है मैं पिछली बार कॉमर्स का मैंने बोलते है मैंने पिछली बार बोल दिया था लोग हो गए थे ट्रिगर भाई मेरे को एक चीज़ बताओ आपने जीवन में जो भी पढ़ा है बारहवीं से लेके कर दसवीं से लेके इंटीग्रेशन मैथ मूथ जो भी करा है कहीं काम आ रहा है बेरली कहीं काम नहीं आ रहा ना बियरली आप पॉडकास्ट हाँ कर रहे हो इसमें हम साउंड की चीज़ें देख रहे हैं वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं लाइट देख रहे हैं कहाँ पड़ी थी कॉमर्स में सिस्टम ही पैंडसो चूतिया बनाने के लिए मैं बारह साल अगर किसी को गिटार बजाने की बोलूँगा ना गिटार बजा बारह साल वो वर्ल्ड के टॉप क्रीम में आ जाएगा गिटार बजाने में हम पैंडसो चूतिया बनाया जा रहा है मैं बीटेक में था अब मैं रसायन विज्ञान जानता हूँ मैं केमिकल के बारे में मेरे को बहुत बढ़िया नॉलेज है केमिकल इंजीनियरिंग करिए आपने वो छोड़ो वो सारी चीज़ें मेरे को केमिकल्स की बहुत जबरदस्त नॉलेज है हाँ मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री आती है फिजिक्स मैथ कुछ नहीं आता तो मैं क्या यहाँ कोई रिएक्शन कर रहा हूँ बैठ के मैं केमिकल कहां से लूँ चलो मेरे को छत्तीस रिएक्शन आती है छत्तीस क्यों आती है छत्तीस मेरे से ही <laughs> है पता नहीं क्यों है मेरे को इसके आगे गिनती आती है सैंतीस छत्तीस मेरे भाई अगर मेरे पास वो केमिकल ही नहीं है तो मैं रिएक्शन कैसे करूँ और चलो रिएक्शन कर ली तो क्या पा लूंगा क्या कर लूंगा कहीं नहीं सिखाया जाता डिसिप्लिन कहीं नहीं सिखाया जाता मेंटल स्ट्रेंथ का सोशली किस हिसाब से चीजें करनी है स्कूल जाओ अकबर नहीं है बहन चो अकबर का ठेका लेना है क्या मैंने मेरे घर से नहीं मेरे कुनबे से नहीं मेरे चेन से नहीं मेरे को ये बढ़ाओ कि हाँ भाई मेरी खानदान में किसने क्या करा है तब तो प्राउड फील हो कि हम भाई किस चेन से आते हैं अकबर पढ़ा देते हैं गाली के लिए सॉरी जो चीज़ है सो है गाय का ऐसे भाई गायें हमें पता है हमारी माता है हम मानते हैं हम उसे खाना खिलाएं वो बताओ ना उसके चार तन होते हैं उसके चार भाई वो तो दिखती है बच्चे को जब वो आठ नौ साल का होगा समझ जाएगा उसको ये बताओ भाई जानवरों को खाना खिला ऐसे ही है ना प्रैक्टिकल एप्प्लीकेशन्स लाइफ के लिए यार देखो जिस टाइम ये सिस्टम बने थे ना उस टाइम लाइफ अलग थी अभी लाइफ ना अलग है बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है स्कूल में पढ़ाई हुई चीज़ें मेरे को नहीं लगता कहीं सेंस करती हैं मेरा अपना मानना है कल को मेरे बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेजने वाला होम स्कूलिंग करोगे वो मैं देखूंगा मेरे को कैसे पालने हैं पर मेरे को एक चीज बताओ ना कहीं से कहीं तक काम है अगर इंग्लिश में द टाइगर्स विस्कर है वो चैप्टर है मेरे को याद है पहला ही चैप्टर था भाई तुम उसकी जगह पेशेंस का चैप्टर पढ़ा दो ना वो जाती है वो एक विस्कर तोड़ना होता है वो बोलती है छः महीने लग जाते हैं मैं जो चूतिया सात दिन तुमने चैप्टर में लगा दिए सात दिन में तुम बोलो पेशेंस कैसे बढ़ाने कंसिस्टेंसी पे कोई काम नहीं करता वर्कैथिक पे कोई काम नहीं करता कुछ नहीं करते स्कूल में जाओ सात घंटे पढ़ो उसी में होमवर्क दे दो बच्चा वो घूमता रहता है मेरे को खुद को लगता है कि मैंने अपने चौदह पंद्रह साल जितने पढ़ाई को दिए हैं ना वो बर्बाद करें कम्प्लीटली बर्बाद करें करेंटली भाई देखो कुछ भी रिडीमिंग नहीं है थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत लॉजिक भी भी नहीं नहीं सीखा आपने थोड़ा बहुत भाई देखो छोटी छोटी चीज़ें तो इंसान सीखता है बिल्कुल पर अगर स्कूल ना जाके लाइफ के बारे में चीजें सीखा जाए तो इंसान ना कंपेरेटिवली उस टाइम में कई गुना ज़्यादा सीख सकता है स्किल सेट पर कोई काम ही नहीं करता कोई काम ही नहीं करता कितने लोग गिफ्टेड होते हैं कितनी चीज़ों के लिए पर वो कभी कुछ कर ही नहीं पाते आप अगर 22 साल 23 साल तक पढ़ रहे हो ना उसके बाद ये होता है भाई कमाना है कमाना है तो बंदा अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाता जो करना चाहता है वो बंद जाता है मुझे यकीन नहीं होता आपके व्यक्ति इतनी पास रह रहा था मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं मेरे घर में रहता हूँ ना भाई आपके बाहर नहीं घूमता नहीं यार एक तो आप हर चीज पे इतने हाजिर जवाब मुंह से, किस, किस से तो बातचीत आप, बात? आप बात तो बात करते हो के कि यार, ऐसे आग के पास बैठे पहाड़ों में जवाब देते हो ऐसा भी कुछ नहीं है देखो अब मान लो मैं आपसे पहली बार मिला हूँ जब विचारधारा बहुत हिसाब से मिलेगी जब ये माइक लाइट कैमरे नहीं होंगे तब बात नहीं जैसे अभी बाहर हो रही थी मैं पूछ रहा हूँ कुछ ऐसा हो जाता है क्या कि इतनी एक्सपोजर के बाद इतने मेरे को देखो कुछ भी ऐसा है कि अगर आप कुछ भी पूछ रहे हो ना हाँ. तो मेरा दिमाग इस हिसाब से काम करेगा कि इसका बेस्ट पॉसिबल हर एस्पेक्ट को मिला के आंसर क्या बनेगा अ वेरी सीरियस नॉट इंटरेस्टेड सीरियसेशन बीडिंग बकचोदी पसंद नहीं है मैं वैसे बकचोदी कर लेता हूँ पर सीरियस नोट पे बकचोदी पसंद नहीं है अगर मैं सही में टेबल पे किसी के साथ बैठा आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हो कॉन्वर्सेशन कि लाइफ और डेथ है मेरे मुंह से जो जो निकल रहा है उसकी इतनी वैल्यू है देखो एक छोटी सी चीज़ है अगर मेरे मुंह से कोई चीज़ निकल रही है यानी वो मेरे दिमाग या दिल में अगर कोई चीज़ मेरे दिमाग या दिल में वो मुँह से बाहर नहीं आ सकती तो मैं क्यों कुछ ऐसा करूँ कि जिससे एक मैसेज जाए कि मेरे दिमाग और दिल में चीज़ें गलत है कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम रेज में एग्रेशन में छत्तीस गलतियाँ होती हैं वो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ पर असल में जब लाइफ के डिसीजन है ना या फैसले लेने तब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सही चीज़ें सही हिसाब से हों उतनी हो कुछ गलत मेरे पार्ट पे ना हो आपके इस कॉन्ट्रवर्सी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी आपको आउट करा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने सपोर्ट देने के लिए कुछ और करा था पर मैंने एक्सेप्ट किसी का नहीं करा उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल से कुछ भी डालो कराओ मैंने शेयर नहीं करा मेरे को मेरे दम पर चीज़ें करनी पसंद है जितना मेरा होता है इससे में भी बहुत सारे लोग एंगेज हुए थे उनका भाई बहुत बहुत शुक्रिया मैं कोशिश करूँगा कि कभी मिल पाऊँ सबसे पर इन्फ्लुंसर वाली जहाँ बात है ना मेरे को मेरा दिल ही नहीं मानता मैं किसी के आगे ना हाथ फैलाऊं कि यार मेरा सपोर्ट करो वो चीज नहीं होता खुद से अगर कुछ चीज़ हो रही है खुद के दम पे हो रही है चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो मैं कर लूँगा पर भीख नहीं मांगी जाती किसी चीज़ की कि सनी है मेरे साथ रहता है जब भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी का सीन बनेगा मैं उसको बोलता हूँ म्यूट कर दे तो कुछ बोलिए मत वो बार बार मेरे को बोलता है भाई मेरा मन है बोलने का मैं नहीं बोलूँ मेरे को मेरे लोगों को मेरे कलेश में घुसाने की आदत नहीं है मेरे कलेश मैं देखूंगा जब कुछ अच्छा होगा तब तुम मेरे साथ हो प्राइवेट लाइफ आपको सीक्रेट रखनी है अपनी पावन रखनी है बिल्कुल खत्म मेरी प्राइवेट लाइफ का किसी को पता ही नहीं है किसी को नहीं पता मैं काम क्या करता हूँ मैं पैसे कहाँ से कमाता हूँ मैं किसके साथ रहता हूँ मेरे मम्मी पापा क्या कर... किसी को कुछ नहीं पता और वो पता भी नहीं लगेगा अगर कोई सोच रहा है कि इधर उधर नहीं लगेगा मेरे को समर बता रहा था बार बैठिए कि आप आपके जिन भी लोगों से आपकी लड़ाई हुई है आपने बड़ी जल्दी उन पर इंटेल निकाल लिया कि ये बंदा यहाँ रहता है ये करता है देखो कुछ खबर का नेटवर्क है आपके पास कह सकते हो कि ना कभी स्टार्टिंग के सीन से ना मेरे को सर्कल मजबूत रखने की ना आदत है चाहे कैसा भी सर्कल हो तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं कभी काम आया था बहुत सारे हैं जिनके लिए कभी काम आऊँगा तो जरूरत के टाइम पे वो काम आ जाते हैं आप बताऊँ फ़ोन का ही नंबर क्या पर। हाँ, है क्या पे चर्ची आपके फ़ोन की पूरी डाटा वाटा बताऊँ सारा अब मैं सकता हूँ हाँ हैक हुक नहीं होता वो हैक करने वाले तो देखो चूतिया बनाते हैं हाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पता लग जाएगी कि किसको को फ़ोन कराए कितनी देर बात हुई है तो मेरे इस कॉन्ट्रोवर्सी में भी कुछ यारे प्यारे हैं ना जो बोल रहे थे हम तेरी तरफ़ हैं हम ये कर रहे हैं मुझे ये तक पता था वो बात किससे कर रहे हैं तो और एक चीज़ पब्लिकली बताता हूँ हमेशा ध्यान रखना जो भोसड़ी वाला सबका है ना वो असल में किसी का नहीं होता मेरे को सारा पता है कौन अंदर क्या कर रहा था सब कुछ ए टू जेड पता है कि, कि किसकी रात में दो दो घंटे एक एक घंटे किससे क्या बात हो रही थी और अगले दिन वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये और ये तो और आप बात भी कर रहे थे उनसे तमीज से मेरे को किसी से बैर ही नहीं रखना भाई वो अपने मन में सोच रहा है ना मेरे को मैं उसके चक्कर में क्यों नेगेटिविटी लूँ लगता होगा कि मैं नेगेटिव मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को नेगेटिव कर ही नहीं सकते आप अगर नहीं आपको ने... पता कैसे लगा कि कौन किससे बात कर रहा रहे हो आपने बंदे मेरे पास अच्छा बंदे आपके पास उस चीज़ जो पता लग जाता है सारी चीजें किसकी क्या इंटेल है किसने कहा सकते हो इंटेल बोल लो उसको कुछ भी बोल लो कि पता यार देखो आपको पता रहना चाहिए कि आपके साथ कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया चल रही है ना कौन पीठ में छूरा गोब दे पता नहीं लगता बिल्कुल सच पॉइंट पे बोल रहा हूँ चाहे आप छोटे आदमी हो चाहे आप बड़े हो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ना खुश नहीं है या कह सकते हो कि आपसे किलसते हैं तो इससे पहले कि वो आपके साथ कुछ गलत करें आपको अपनी सेफ्टी का कुछ ध्यान रखना चाहिए ज़रूरी है मेरे को ऐसा लगता है आपके मन में एक स्टेट ऑफ वॉर रहती है भाई मतलब मेरा पीछे से से फैमिली बैकग्राउंड आर्मी चे, कई अच्छा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मम्मी कबड्डी खेलती थी दिल्ली से अच्छा तो वो कुछ कह सकते हो कि जो स्टेट ऑफ बैटल एक चलता रहता है मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है बैटल कौन स्कीमिंग कर रहा है मेरे विरोध में ऐसा कौन मेरे? कभी खुद से नहीं करता हाँ। पर अभी जब भी कोई चीज होती है सिनेरियो बनता है ना तो मैं देख लेता हूँ कि किसके पार्ट पे क्या चीज जा रही है अच्छा ताकि असल में मेरे को पता रहे कि मेरे को भरोसा किस पे करना है और कौन धोखा देगा तो मैं किसी पे भरोसा करता नहीं क्योंकि हर इंसान के दो मुँह होते हैं सब बहती गंगा में हाथ धोते हैं असल में सच्चाई यही है जिस टाइम मैं पुलिस थाने में था मेरे फ़ोन पे किसी की मिस कॉल भी नहीं थी असल में चीज़ बता रहा हूँ मेरे को कोई इसमें दिक्कत मेरे को सपोर्ट बहुत हद से ज़्यादा था हद से ज़्यादा था उन लोगों पर मेरा नंबर नहीं था उन लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं था पर जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर था ना उनकी एक मिस कॉल और एक मैसेज भी नहीं था बाहर आने के बाद भी नहीं था तो वो लोग बस इंटरटेनमेंट ले रहे थे वो चीज़ें बहुत हिसाब से तसली से समझ आई कि चीज़ें असल में क्या हैं इसमें पिस मैं और एक सामने वाला भाई रहा था तो निपटारा हो गया बहुत अच्छा है इस चीज़ से पता लगा कि हाँ भाई हमें एकजुटता कितनी है और इस चीज़ से पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आए निकल के और नेगेटिव भी आए जो लोग फोटो खिंचवा के जा रहे हैं सामने वाले के साथ वो उसी को मेरे पार्ट पे गाली दे रहे हैं जो मेरे साथ खिंचवा के जा रहे हैं वो कहीं पे मेरे को गाली दे रहे हैं तो सबको बस ये था कि एक नाम से जुड़ लो दो नाम से चार नाम से और खुद की इंगेजमेंट हल्के की, की पढ़ा लो सोलह सोलह साल के बच्चे बहन जो मेरे को फाइट का चैलेंज दे रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि आओ मेरे से लड़ लो क्यों रजत दलाल कुछ बोलेगा हम मैच जो फेम ले लेंगे मैं कोई बहन जो फेम बांटने थोड़ी बैठा हूं मैं तो कोई हूं ही नहीं भाई जनता ने बनाया जनता उतार देगी अगर कुछ गलत करेंगे इक्कीसवीं सदी के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इस तरह के कैरेक्टर्स बनते आ रहे हैं मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं कि आपकी कुछ ऐसी चीजों की वजह से इतना नाम हो गया भाई वो मेरे को लगता नहीं है कि सही चीजें मैं मान सकता हूँ कि मेरे पार्ट पर गलतियाँ होंगी टू डू मेरे को शांति की जिंदगी जीनी है मुझे किसी से पसड़ नहीं रखनी मुझे मुझे अकेला छोड़ दो एनसीआर से दूर क्या एन से दूर वाली चीज़ नहीं है भाई मेरे को ना शांति सही में पसंद है मैं आप शांति पर आप तो कह रहे थे आप और आप इतने सिमिलर रहते हो शांति से बैठ नहीं पाते मेरे को शांति पसंद है मेरे को शांति चाहिए किसी इंसान को कोई चीज़ कब चाहिए होती जब वो उसके पास नहीं होती <laughs> तो मुझे शांति चाहिए <laughs> मैं बहन तो शांति ढूंढता हूँ कलेश आ जाते मैं मैं रिलेट कर सकता हूँ यार तो वो चीज़ है जो लोग नेचुरली शांत होते हैं उनको कुछ और चीज़ उन एक्शन कुछ एक्साइटमेंट हाँ चाहिए हाँ होती है जिनकी जिंदगी में ज्यादा एक्शन एक्साइटमेंट होता हाँ है हाँ हाँ दो वक्त बस चैन के मिल जाए फोन ऑफलाइन मोड पे भी ना मेरे मिले मेंटली प्रॉब्लम नहीं होती पर कभी ना कभी अगर मैं पीछे से रुक के देखता हूँ ना कि मैंने तीन महीने पहले क्या करा तो मैं कभी कभार कुछ कुछ चीज़ों पे शर्मिंदा होता हूँ आप सेल्फ़ अवेयर हो इस चीज़ मेरे को खुद से पता है कि अगर मैं गालियाँ दे रहा हूँ तो वो गलत है अगर मैंने किसी की पर्सनल चीज़ें बाहर निकालती वो गलत है पर वो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उस मोमेंट की नीड थी अगर मेरे को मेरा पक्ष रख के बात ऊपर रखनी है तो अगर किसी ने मेरे को उंगली दी है तो उसको हाथ लेने की भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए क्योंकि मैं मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई मैं किसी से बैर नहीं रखना चाहता मेरे को मेरे को सही में मैं चीज़ें बहुत अवॉइड कर रहा हूँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो तो ट्रिगर कर रहे हैं मैं नहीं मैं हैं एक कह सकते हो एक फैसला बना के इंसान बैठता है ना कि नहीं मुझे जूता ही नहीं बजाना चाहे कुछ ही हो भाई मेरी लाइफ में डायरेक्शन है मेरे को मेरी ट्रेनिंग पे देखना है घर वालों को देखना है खाने पीने को देखना है काम को देखना है आगे के गोल्स देखने हैं जो भी चीज़ जो भी आइडियाज एग्जीक्यूट करने हैं सामने वाला चूतिया है उस पर इसके अलावा कोई काम नहीं है तो मैं मेरी एनर्जी उसको क्यों दूँ अगर उसके कुछ बोलने पर मैं रिफ्लेक्स में चीजें खराब कर रहा हूँ स्टैंड लेना एक चीज़ है पर जहाँ स्टैंड लेने की बात ही नहीं है यहाँ चूतिया बंदी की बात है ईगो की बात है मैं अगर वहाँ पे ट्रिगर हो रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ तो मैं ट्रिगर नहीं हूँ अगर मैं आपकी लेनी देनी करके आपसे ऊपर जा सकता हूँ ना तो मैं आपकी लेनी देनी करूँगा अगर आपने मेरे से बैर बिठाना है तो पहले मेरे लेवल पे आओ फिर मेरे से बैर बिठाओ जो मेरे से ऑलरेडी हर एस्पेक्ट में नीचे है मैं उस चूतिया पे ध्यान ही क्यों दूँ अपना पहला स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना लेवल बढ़ाओ औकात में आओ फिर बैर बिठाओ हर टाइम प्रशासन नहीं बचाएगा ना हो सकता है मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएँ कोई कर जाए समय का कुछ नहीं पता तो इसलिए भाई प्यार से रहो ना कुछ गलत करो ना हवा में उड़ो क्योंकि शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है एक लाइन में नहीं मिलेगा दूसरी में मिलेगा पर मिलता है कोट्स फैर दलाल भाई सच्चाई है जो <laughs> है मैं <कोई... laughs> नहीं नहीं मैं मान गया सच्चाई है मैं जस्ट मैं इस चीज़ से दंगूँ यार कि आप इतने मेरी सत्ताइस एज है आपकी अट्ठाइस एज है मैं तो एक, हमारी लाइफ एक्सपीरियंस इतने डिफरेंट है जिस तरह के माइंड में आप जीते वर्सेज मैं जीता हूँ मेरे को अच्छा लगा देखिए कि आपकी बहुत अलग आपकी विचारधारा आपकी सोच आपके रहने का तरीका सब कुछ बहुत अलग है शायद इसी वजह से ये कि आपको लोग इतना पसंद करते हैं इतना चाहते हैं इतने पागल हैं आपके उम्मीद करूँगा भाई चीज़ें ऐसे ही रहे और अच्छे काम की वजह से रहे मेरे को सही में नहीं लगता मैंने कुछ फिलहाल ऐसा कुछ करा है कि जो बहुत अच्छा है कि लोग मेरे को प्यार करें मैं अपनी ऑनस्ट असेसमेंट दूँ जो मेरे को लगता है मैं गलत हो सकता हूँ मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ जो पॉडकास्ट करता है जैसे आप अपना जो काम करते हो आप पावर लिफ्टिंग करते हो आप लोगों को कूटते हो आप इंस्टाग्राम मैं किसी को कूटता नहीं भाई ये गलत है बाकी सब ठीक है ठीक है मेरे को ऐसा लगता है जो मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ ऐसा आप में लोगों को दिखता है वो अपनी बेस्ट हीरो वाली आइडेंटिटी जो आपने कर्जा भी नहीं लिया उनका कि भाई मेरे को हीरो बनना है तुम्हारा वो आप प्रोजेक्ट करते हैं कि ये आदमी निडर होके एक निष्पक्ष अपनी बात रखता है और कॉन्सिक्वेंसेज भी सहता है उसके होते हैं कॉन्सिक्वेंस होते हैं कहीं भी हो सकते हैं ये लोगों को पसंद आता है खासकर जवान बंदों को जो अपने आप को पावरलेस पाते हैं घर वालों के प्रकोप में पाते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन में लगता है यार ये आदमी सब अगर भाई मेरे पार्ट पे कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है तो बहुत बढ़िया चीज़ है अगर इस चीज़ को कुछ लेके कुछ डायरेक्शन ही गलत कर दे तो भाई वो चीज़ ख़राब है मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं और फिर भी अगर उनको फॉलो करने की और अच्छा हो जो दस पंद्रह लोग जिनको नहीं बताओगा आपके बारे में तो आप कहाँ फॉलो कर सकते हैं कहीं मत करो भाई ऐसे ठीक है खुद पता लगेगा ठीक है बोल बाल के नहीं कर ठीक है यार मेरे को तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू आने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए कुछ कुछ आपकी बातें निराली हैं कुछ कुछ आप पहले में बोल जाते हो कुछ कुछ आप, आप साइड कर जाते हो पर ठीक है वो आपकी अपनी कला है आपने खुद ही बोला है कि देखो भाई मेरे प्रिंसिपल्स हैं मैं उस पर नहीं करूँगा पर मेरे को वाकई में बहुत मज़ा आया और जिस तरह आप ऑनलाइन दिखते हो लोगों को इंस्टाग्राम लाइव पे उससे दस गुना बेटर है आपकी कंपनी ये करने का एक्सपीरियंस करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ये मैं कहना चाहता हूँ एंड uh, चूँकि आपका एक ही दोस्त है तो आई एम ग्लैड कि मैं आपसे मिला और हमने इतनी बकचोदी बात करी बातचीत करी आई होप कि आप जो चाहते थे कि यू you नो know, हम पॉडकास्ट पर बैठ के बात करें और भी कुछ मैटर्स क्लियर करने हम क्लियर कर पाए कोई और ऐसी बात है जो आपको लगता है कि रह गई हो योर्स कोई दिक्कत ही नहीं है भाई मेरे पार्ट पे अगर बोलना होगा तो यही होगा कि आ, एक मेरी अच्छी साइड है एक मेरी खराब साइड है अच्छी से ज़्यादा ख़राब देख चुके हो उम्मीद कराऊँगा कि खराब अब कम से कम दिखे और अच्छी दिखे और मेरे पार्ट पे मैंने किसी का वैसे ठिका नहीं ले रखा तुम में से किसी का पर फिर भी अगर इंसान हुआ और जीवन में या धरती पे आया हूँ तो कुछ अच्छा कर लूँ तो ठीक है तो मेरे पार्ट में जितनी अच्छी चीज़ होगी दे दूँगा ख़राबी बीच बीच में आएंगी वो लेना मत हाँ अगर कहीं पर कमेंट सेक्शन ऑफ है स्टोरी रिप्लाई बंद है तो फालतू चीज़ें उन पर ध्यान मत देना काटा मार देना Great, this was uh, those castles with Reza Dalal. And uh, see you all on the next episode. Take care, bye bye. Sayonara.